ये लग रहा है कि हैवी हो गया इसके लिए डाटा, हैवी हो इतनी गया स्पीड उसमें। नहीं वन ले एटी है रहा। ना, 180 है ना। स्पीड नहीं है, हल्की हल्की स्पीड पे चल अभी तो वो रहा पहले पहले पोक को ही एक ठहर ठहर के इम्प्रूव कर रहे हैं। है। चले ये लगा कि थोड़ी देर को 4 5 8 10 1 तक इसकी वो सूरत नजर आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये 8 9 तक, जो नौ तक अच्छी थी, नहीं, एक दफा। ये बंद ही ना कर देना उसको सर, अच्छा, ये फिर लैपटॉप ही हैंग ना कर देना। ये दिखाता हूँ मैं आपको इसकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, ये देखें 100%। तो नहीं सर, फिर सर आप मैं इधर, बंद कर आप दूं इधर बेहतर। धुएं निकलवा देते हैं ना। आप इसको क्लैब पे ट्रांसफर कर, तो लैब पे करते हैं, वहां पे लगेगी देर सर, उस पर भी देर लगेगी। चलो मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है सर। ये थोड़ी देर बाद ही जो ना ये जॉब करेगा। सजा साहब हाजिरी लगा लें फटाफट उतनी देर में। बुजदार साहब किधर है? मॉनिटर सजाद भाई आपके तो उसमें पड़ा होगा ना, आप शेयर करके जल्दी जल्दी से वहां चला दें। मैं चला दूं हाँ उसके ऊपर कोलैब पे? हाँ हाँ चले कोलैब पे मैं चला के, चल मैं चला देता हूँ। आप शेयर कर लें जल्दी से, मैं तो मैं देखूं वेरीफाई पहले कि उसके कोलैब पे पड़ा कि नहीं पड़ा, तो मैं करता हूँ शेयर। आप मुझे दें उस वक्त तक मिलता वेरीफाई हो जाएगी ना फौरन। फॉरन तो नहीं होगी सर, टाइम लगेगी। चलें आप उसको एक दफा चला के, या आप ऐसे करें एक दफा चला के छोड़ दें, हम दूसरी को डिस्कस कर लेते हैं। जब आप आपकी वो दूसरी करें, मैं चला के छोड़ देता हूँ। आप चला के छोड़ दें, फिर हम दूसरी को डिस्कस कर लेते हैं, और देख लेते हैं कि कितना वो जाता है उस पे ना। अगर ये चल पड़ता ना मैं इसको छोड़ देता, वरना ये इसने लैपटॉप ही बंद कर देना अभी। ठीक है ठीक है। नहीं, सर आपका बंद नहीं होना चाहिए, हमारी खैर है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये फाइल्स जो हैं ये किसी रेपोजिटरी पे पड़ी हुई हैं या नहीं? कौन सी फाइल्स? ये सर मैंने अभी, जी, ये जो आप रन कर रहे हैं अच्छा, मतलब फाइनल करके आप इधर रेपोजिटरी शेयर करेंगे? जी रेपो पर मैंने डाल तो दी हैं, अगर आप देख रहे हैं वो अपडेट भी मजीद अपडेट होंगी अभी, यानी कि लेकिन मैंने डाल दी हैं अगर आपको चाहिए तो। अब्दुल कीम आप ग्रुप में है, वहाँ पे सर ने एक फाइनल वर्जन शेयर किया हुआ है, एक तो जो अभी तक का है वो आप देख लें एक दफा, कौन से तो ग्रुप उसके में? नहीं बाद मैं जो। ये मैंने मैसेज पे भेज देता हूँ, ये नहीं, जी ठीक है ये सर, रेपो, नहीं रेपो मैंने भेज दिए। थैंक यू सर। अच्छा सर मैं आपके पास रेपो पे, फ्लावर की आप चेक कर लें, फिर ये मैं बाकी सारी यहाँ बंद कर देता हूँ, ठीक है? लेकिन ठीक आपको है सर। सबमिट सबमिट कौन सी करानी है ना ये अब बता देना, कोई कह रहा है ये करानी, कोई कह रहा है ये करानी। जैसे कहेंगे सर आप, वही तो मैं कह के एक ओपन डिस्कशन करवा लें इसके ऊपर, क्योंकि सर जो पहले शॉर्ट लिस्ट कर लें आज, मेरा कल तो डेट है, तो आज पहले शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं फिर फ्लावर्स करेंगे वाली, वहाँ। फ्लावर्स वाली पे कर लें। बाकी तो ऑलमोस्ट आपने जो फाइनल की हुई है मैं वही है, बाकी हर की अपनी मर्जी है, वो तो आप किसी को नहीं कह सकते, लेकिन फ्लावर्स वाली का बता दें कि क्या है कि। इवन के देखें वो मुझे पता नहीं है आप कह रहे, क्रेडिट कार्ड पे भी वो जो वो वाली है ना, जो बिलाल वाली थी, उस पे इतनी तेजी से वो ले बिलाल आता है ना, वो 351 है उस पे, वो नहीं लगाना हमने के फोल्ड, वो के फोल्ड के बगैर की हुई है, डाटा कम है। अच्छा आप कह रहे हैं के फोल्ड वैलिडेशन लगाए उसके ऊपर? क्योंकि वो डाटा कम है, तो हमने यही पढ़ा कि जब कम होगा तो हम के फोल्ड पे करेंगे, मतलब एज पर रूल। टीचर ने कहा असाइनमेंट में कि आपने के फोल्ड लगाए हैं उसमें, क्योंकि उसने उन्होंने तो कहा बताया भी है जो जो पढ़ा पढ़ा कुछ वो लगाए ना, सब कुछ लगा ना लेते जो जो लगता पढ़ा हो वो उसमें से। लगा। तो कम डाटा पे क्या पढ़ा है हमने, क्या लगेगा? के फोल्ड वैलिडेशन ऑब्वियसली। बाकी भी पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट करें, कोई अच्छी सजेशन है तो बताएं, ये नहीं कि जो है ना कि सिम्बियोसिस किस्म का होना चाहिए, पैरासाइटिकल नहीं होना चाहिए, तो कुछ हर कोई अपना अपना इनपुट दे ना। मैं अपना माइक म्यूट कर रहा हूँ। सर ये देखें ये तो फास्ट चल रहा है इधर, वो मेरे ख्याल ऑगमेंटेशन है उसके अंदर शायद, वो फिर इसलिए जरा खोटा कर जाता है। और वो उसका है भी हैवी ना, 180 है सर, 180 180 है, इसका पता नहीं कितना है। मैंने 100 120 रखा है, अच्छा, तो ये भी कम नहीं है। नहीं इसको 180 करके देख लेते हैं। आपको अपने
लैपटॉप को नजर ना लगाना, बस मैं आपको इसकी तेजी दिखाता हूं सर। ये ना करे ना इधर आ सितमगर हुनर आजमाए तो स्पीड आजमा हम टैलेंट आजमाए वो बैठ जाते हैं। राम भाई आपकी यही बातें हैं ना। सर ये देखें 180 पे चल रहा है। वाह माशाल्लाह सर, माशाल्लाह माशाल्लाह सर, जैसा माशाल्लाह बोल रहे हैं माशाल्लाह जनाब माशाल्लाह। चलें ये हो रही है, इसके साथ दूसरी कौन सी डिस्कस करनी है ये, इसकी जब तक निकलती है रिजल्ट तो मतलब देख लें, जैसे कहेंगे हम अगर ये कहेंगे तो ये कर लेंगे, बाकी ग्राफ्स ग्राफ्स वगैरह चेक कर लें सर। और ये एक कोई एक या दो जैसे कार वाली देख लें या कोई कोई ऐसे एक रिग्रेशन वाली देख लें और एक जो है ना बाइनरी वाली, के क्या उनके स्टैंडर्ड जिस तरह उन्होंने कल वो रूल्स दिए हैं उसके साथ मैच कर रहे हैं हमारे। सर मेरा ख्याल है कि हमें एक असाइनमेंट को उसमें सारे वो रूल्स को फॉलो कर लेना चाहिए और बाकी सब जो भी हमारे मेंबर्स हैं वो सब बाकी असाइनमेंट्स को बाय हैंड खुद करें ताकि उनकी भी प्रैक्टिस हो जाए। वेरी गुड, एक असाइनमेंट की बड़ी अच्छी से जो हिंदी है मेरे ख्याल वो कार वाली जो असाइनमेंट है या एक आयनोस्फीयर वाली वो सबसे कॉम्प्लेक्स है। ठीक है सही कह रहे हैं, वो सबसे कॉम्प्लेक्स है उसको कर लेते हैं, रिव्यू भी हो जाएगी और जो है ना कि चले वो हो भी जाएगी। जी सर बिल्कुल, कार वाली को देख लेते हैं। ये तो 20 रखी है मैंने। शायद को लोग ना करें इसमें भी। सर जी आपने चला दिए? चलाई हुई है तो वो भी स्लो है वैसे जीपीयू, लेकिन बहरहाल चला दिया अभी तो उस तक पहुंचा अपनी पहले ही कर रहा है वो जरा। अच्छा ये हो गया, लेकिन इसका एक्यूरेसी मतलब वो वही 24 पे रही है, 2526 पे, वही 24 पे। सभी भाई नहीं चलाएं? चला दे सर। सभी भाई आपने जो ये बहुत सारे फंक्शन डाले हैं ये हमें समझाएंगे आप? ये वाले फिर आगे ये जीपीयू सर, ये तो मैंने गूगल टेंसरफ्लो की वेबसाइट से उठाया कि आपने जब जीपीयू लगाना होना तो पहले मैं कोड में ये पेस्ट करके रन कर दें, बस इसका इतना ही। अच्छा इसका मैंने यानी बस यही पता है कि जब जीपीयू लगाना था ये लगा देना। ओएस इमेज डॉट ओपन ट्राई इमेज डॉट रिसाइज, ये जो है ये इमेज आपने ये रीड ऐसे की है यहां से? हां जी हां जी। और इमेज इज इक्वल टू इमेज डॉट रिसाइज न्यू साइज, न्यू साइज जो आपने ऊपर डिफाइन किया होगा ये, और उसके बाद आपने ये बड़ा अच्छा, ये बहुत ज़बरदस्त है ये जो इन्होंने तरीका किया ना, ना इसमें इन्होंने कोई और चीज़ लगाई है, सिंपल जो है ना पाइथन के जरिए अप्लाई करके ओपन करके और उसको उन्होंने अपेंड करा दिया है। ये लेबल कहाँ से आया? लेबल डिजिटल टू कैटेगरी और कैटेगरीज इन कैटेगरीज, कैटेगरीज ये हैं, ये अपने मैनुअली दिए हैं कैटेगरीज इन कैटेगरीज ग्लोबल आए कैटेगरी इंडेक्स लेबल इज इक्वल टू कैटेगरीज डॉट इंडेक्स, वो इंडेक्स ले लिया उसका। ठीक है वो आपने इनके वो लेबल लेके फिर उसको आपने यहाँ पे लेबल के साथ इसको आपने ज्वाइन मतलब वो कर दिया है यहाँ पे अपेंड कर डेटा डॉट अपेंड इमेज लेबल। ठीक है उसके बाद ये हो गया
लोड डेटा, लोड डेटा मतलब लोड तो पहले हुआ है, वो हुआ है लोड, लेकिन ये मैंने अभी उसको ये फंक्शन बनाया ना, ठीक है अलग से एक वो अपने हो गया, ठीक है np dot array features d type is equal to np dot float 32 labels का ये हो गया, np dot array labels features is equal to 255 return features labels, आपने फिर वही sklearn use किया train test split, हाँ जी बस sklearn, ये तो नहीं ना मना मना है सर, ये मना है चैप्टर 4, चैप्टर 4 तक नहीं है तो मना है ना सर इसको, उसकी जगह तो सिंपल वही आज सैंपल लगा देंगे, ये डीएफ में तो नहीं है ये, अच्छा उसमें आप 72 और मतलब उससे कैसे अपना एनपी रैंडम के तहत एनपी रैंडम कर लें सर, कुछ कर लें मल्टीपल रैंडम एनपी भी कर लें, एसक्यूएल मना तो नहीं है, वो क्या नाम है अनीस सर ने खुद बोला हुआ था कि आप यूज कर सकते हो, नहीं अनीस साहब के साथ कंसिस्टेंट नहीं है नहीं स्टेटमेंट के साथ, उन्होंने कहा जो चैप्टर 4 के अंदर हुआ है हुआ है, नहीं तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो ये तो कंसिस्टेंट नहीं है, ये उनकी रिटन स्टेटमेंट लेंगे भाई ने जो करवाया है, ये इसकी इसकी आई है 41 तक, तो इन्होंने ये लिया है 220 का लिया है, ये देखें 220 का लिया है, अगर हम 220 का लें 224 का साइज तो फिर हमारा क्या रिजल्ट देगा, बेहतर हो जाएगा सर, चेक करें अगर चल जाए तो ठीक है, चला लें सर आगे चलता तो, ये वाला इसको जरा 200 नहीं 224 कर दे, कहां गई ये वाली, इसको नहीं सर बंद कर दें, बाकी बंद कर दें सर वो दूसरे वाली फ्लावर्स वगैरह बाकी बंद कर दें, एक दो जो अच्छा जी मैं इसको चुप करता हूँ 224 तुम चलती है निकल जी, ईपॉक ज्यादा कर दें, हाँ सर ईपॉक ज्यादा करने पड़ेंगे, लेकिन सर मेरी में वो थी ना मैंने कलर 14 की है, आरजीबी नहीं की, वो ग्रे स्केल नहीं किया, एक ये भी इसमें तो मैंने आरजीबी कर दिया, ठीक है चल तो रहा है, चलें सर इसमें साथ ही हम दूसरी कोई खोल लेते हैं, अभी ये ट्रेन हो रहा है 50 तक तो टाइम लगेगा थोड़ा सा, दूसरी पे किस पे चले जाएं, अब कार वाली पे, कार वाली में एक वो कर लें, और अगर क्लासिफिकेशन वाली अगर दिल किया तो एक वो कर लेंगे, क्रास वगैरह सारे सारे डाल दें जो डालना है दोनों में, रिग्रेशन वगैरह डाली तो थे मैं रिग्रेशन हमने डाले थे कार वाली में हम डाले थे, फाइनल ये है अच्छा जी, अब कोई स्टूडेंट कह रही थी कि मुझे हमें थोड़ा सा समझा दें, तो कोई क्वेश्चन है इसमें या सारे के सारी समझानी है, मैसेज कर दें जो जिसको अगर है इसमें, अगर कोई अगर सारी समझनी है तो बता दें, जी सर एकदम पूरी रिव्यू कर दें, जी सर मैं भी वही कह रहा था कि एक दफा रिव्यू करते जाते ताकि वो सारा सिनेरियो समझ आ जाता, ठीक है अच्छा जी इसमें सबसे पहले ये तो आपको पता होगा ना, ये तो माउंट करनी है ड्राइव है जो भी है, और इसका भी पता होगा आपको ये कैसे करते हैं माउंट करके, फिर हम ये कैसे जाते हैं मतलब कोलैब पे, अब यहाँ कोलैब तो नहीं है ना, ये हम अपने लोकल लैपटॉप पे कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप जो है अगर हम ये करना चाहें तो ये पाथ देना पड़ेगा यहाँ पे डॉट
अब मैं इसको रन करता हूँ। ये रन होगी, आपका डाटा आपके इसके अंदर स्टोर हो गया, ठीक है। उसके बाद ये आपने इंपोर्ट कर लिया टेंसर फ्लो, और डॉट हेड कर लेते हैं। हमारे पास ये इस तरह से ये कॉलम। अब हमारे पास ना असल में क्या है डाटा, हमारे पास ना ये इसके अंदर है, हमारे पास ना मतलब नॉइज वाला जो हेडफोन है ना, ये बंद कर दें जरा, नॉइज वाला हेडफोन किसका है जी। तो कार जो हमारे पास ना, कार नेम से लेके यहाँ तक ना, ये व्हील बेस अपना, ये इंजन लोकेशन, ठीक है, और ये फ्यूल सिस्टम आपको पास है ना, ये लिखे हुए हैं अपना टेक्स्ट है, टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट। तो टेक्स्ट वाले को जो है ना हमने मतलब वन हॉट एनकोड अगर हम कर दें, या उसको कहते हैं कि अपना क्या बोलते हैं उसको सर, उसका नाम टेक्निकल क्या है, इसको क्या करते हैं, किसको जो कैटेगोरिकल कर देते हैं। तो ये आपके मतलब जो कैटेगरीज है ना, तो उसके आप कैटेगोरिकल वेरिएबल मतलब कैटेगोरिकल कॉलम बन जाएंगे हर एक के, ठीक है। तो ये करना पड़ेगा इसके साथ, ठीक है, मतलब ये करेगा कैटेगोरिकल, जब हम करेंगे ना तो ये आपके सारे कॉलम जो है ना, ये यहाँ से डिलीट हो जाएंगे और आगे जाके अपेंड हो जाएंगे, और हर गाड़ी का नाम उसके कॉलम, उसके साथ एक नया कॉलम बन जाएगा। जैसे कार नेम है तो उसके साथ अल्फा रेमरियो ग्रिला का एक कॉलम बन जाएगा, इस तरीके से अल्फा रेमरियो स्टीरो का ये कॉलम बन जाएगा, इस तरीके से ऑडी 100 का कॉलम बन जाएगा, इस तरीके से। तो हर एक का कॉलम अलग से बन जाएगा और उसमें 1010 आ जाएंगे, जहाँ पे वो गाड़ी होगी उसमें 1 आ जाएगा, जहाँ जिस कॉलम में मतलब जिस रो में नहीं है तो वो 0 हो जाएगी। वो हम अभी आगे जाके देखते हैं। और हमने देखा कि कार नेम डॉट यूनिक, हमने सारे नाम चेक किए गाड़ियों के, तो ये सारे नाम आ गए गाड़ियों के। तो मैंने एक स्पॉट चेक किया, ऐसे ही स्पॉट किया, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक डाटा में होती है जैसे। तो यहाँ पे आपने देखा कि ना ये वाली ऑडी 100L, मतलब इसका वैसे बेहतर जो है तरीका होना चाहिए जो कि आप बाई स्क्रिप्ट चेक करें, कोई स्क्रिप्ट आप ऐसा बनाएं कि आपके ये नाम जो है ना गलत हैं, तो उनको आप सही करना चाहते हैं। तो जैसे अब ये ऑडी 100LS है, तो ये भी ऑडी 100LS है, दैट मीन्स आपकी एक गाड़ियों की टाइप एक ही है, लेकिन सिर्फ नाम में एक स्पेस होने की वजह से आपका रिजल्ट में थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, ख़राब होगा। तो इसके लिए ये आपने ये करना है कि इसके नाम को ना आप सेम करें। तो मैं जाके आगे जाके इसको सही करूंगा। अच्छा, इसके अलावा आपने चेक करना है कि आपके डाटा के अंदर ना, इसको रन कर लेते हैं, ये आ गया है। सर हो गई है, लेकिन इसकी तो वही 24 पे ही खड़ी है, वो तो पहली अभी चल रही है सर उस पे जो मैंने लगाया है। नहीं, अभी इसकी चल रही है, ये चल गया, खत्म हो गई है या क्या हुआ है, देखिए अगले पे अगर आ गया तो। नहीं, ये पॉक नहीं, मैंने स्टेप पर ही पॉक 50 लगा दी है, ये 20 थे, ये 50 करने थे, 100 कर देते हैं, तो अपने काम पे लगा देते हैं, फिर दोबारा आएंगे इसके पास, रास्ते में चेक कर लेंगे कुछ, अमृतसर या लाहौर आता है तो देख लेते हैं। क्यों नहीं रन कर रहा, अच्छा ये पहले ही रन हो रहा है अभी, अच्छा अब रन हुआ, स्टार्ट चलें अब हो रहा है, ठीक है। तो मैंने देखा कि यहाँ पे आपके पास यूनिक नेम्स जो हैं वो गाड़ी के क्या हैं, ये आ गया। और तो मैंने यहाँ पे एक स्पॉट चेक किया कि ये गलत है ना नेम, तो मैंने इसको बाद में सही करूंगा इस नाम को। अच्छा, अब हमने देखना है कि कोई खाली जगह तो नहीं है हमारे पूरे के पूरे उस पर आपके डाटा फ्रेम के अंदर कहीं कोई खाली जगह हो, तो उसको आपने स्पॉट चेक करना है कि भाई कौन सी जगह खाली है,
जो खाली नहीं है, अगर खाली होती ना यहाँ पे हमें ना रो नंबर और कॉलम नंबर दे देता, ठीक है, रो नंबर और कॉलम नंबर दे देता यहाँ पे कि कौन कौन सी जगह, मतलब अगर मिसाल है आपके पास 100 वैल्यूज खाली पड़ी होती तो आपके पास 100 नंबर्स की एक अरे आ जाती लोकेशन रो और कॉलम, मतलब कहाँ कहाँ वो मौजूद हैं, तो आप उनको फिर आपने क्या कि फिल करना होता है, मतलब जीरो से फिल करना हो या जिससे भी हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आपने देखा जी कि इज नल डॉट एनी, यहाँ पे आपके पूरे के पूरे डाटा फ्रेम में कोई नल मौजूद है, नल वैल्यू नान जो होती है एन एन नॉट अ नंबर, तो वो फॉल्स आ रहा है, ठीक है, फॉल्स आ रहा है, तो कहीं भी नहीं है। उसके बाद आगे आप जो मैंने आपको बताया था कि आपने उसको सही करना है नाम को, तो वो मैंने उसके नाम को जी ये नाम मैंने क्या कि कौन सा थर्ड रो और सेकंड कॉलम पे मतलब फोर्थ रो और सेकंड कॉलम पे ये आपका नाम जो है ना ये जी जी इस बारे में मैंने कोड भेजा चैट में, वो वाला जरा चेक करें कि रिप्लेस करने के ना उससे सारी रिप्लेस हो जाए जितने डीएस। अच्छा डीएफ कॉर नेम डॉट एसटीआर रिप्लेस ऑडी, जबरदस्त, ये बहुत अच्छा कोड है। लेकिन हमें एक ऐसा कोड चाहिए जो कि ऑटोमेटिकली ना इस तरह की चीज़ों को फाइंड करे, सारी चीज़ों को जो कि आपके ना इस तरह की यानी कि आ रही हो ना प्रॉब्लम्स, जो कि मिसाल है अब हमारे पास तो ये है ना बहुत सारे नाम है, तो नाम का मसला जो नाम के रॉन्ग स्पेलिंग है, नहीं मतलब नाम गाड़ियों की मॉडल सेम होते हैं लेकिन सिर्फ एक स्पेस भी आ जाए या एक कोई इसने कोई डैश लगाई हुई है उसके लिए रॉन्ग है, कंप्यूटर के लिए तो वो डिफरेंट है। हाँ कंप्यूटर के लिए वो डिफरेंट है ना। या तो फिर आप एक एक मॉडल को चेक करें खुद से मैनुअली, इस तरह कह सकते हैं कि जो भी स्पेस है ना नाम के अंदर उस स्पेस को खत्म करके तो उसको एक पूरा जो क्योंकि करना तो कंप्यूटर नहीं रीड है तो वो पूरा एक वो जो भी स्ट्रिंग बनता है ना वो सारा रीड कर ले, अगर वो सेम है तो फिर वो मतलब कि उसको ओवरराइड कर दिया, एक को कैंसिल कर दिया इस तरह। लाल भाई वो आपको ये अच्छी सजेशन है लेकिन दूसरा में ऐसा भी है कि स्पेल मिस्टेक है कईयों में ना वो उस दिन स्पेल मिस्टेक भी हो सकती है, तो इसमें मेरे ख्याल में ज्यादातर यही है कि मैनुअल अगर होगा ना चेक तो वो फिर ज्यादा बेटर रहेगा, अगर आपके पास अगर 700-800 मॉडल है या कितने 100 एक मॉडल होंगे या 200 होंगे तो उनको आप मतलब यह कि अगर आधा घंटा लगा के इसको आप चेक कर लें कि कहीं पे कोई डिस्क्रिपेंसी अगर आ रही है। ये तो सनी भाई ने मैसेज में एक कोड शेयर किया है देखिएगा जरा, हाँ ये है ना ये तो यानी कि बताया कि ये कोड है लेकिन हमने उसको स्पॉट चेक कैसे करने की गलती है कहाँ दरअसल। ऐसे मेरा ख्याल मैं सही कह रहा हूँ ना सर, इसमें वैसे तो रेगुलर एक्सप्रेशन वाला अगर वो कर लेते वैसे तो चले वो क्योंकि सिर्फ इसी की हमें असाइनमेंट नहीं कर रही थी तो इसलिए जाने दिए, वैसे सबसे बेहतर हैंडी होना था रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू अगर इसे किया जाता तो वो एक ऑटोमेटेड ज्यादा बेहतर कर सकता था, लेकिन जाहिर है कि अभी कोई मैनुअली करना पड़ेगा क्योंकि मेन फोकस ये नहीं है, मेन फोकस असल में रेस्ट ऑफ ओवरऑल एक असाइनमेंट बनाना, तो इसमें चले जो भी आगे है तो सही है। बरल वो आपने दो कोड अच्छे किए, दोनों कोड जबरदस्त हैं। फिर मैंने चेक कर लिया कि कारण यानी कोई नल तो नहीं है, तो नल नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि ये इसको सही कर लिया, ठीक है, नाम को सही कर लिया। उसके बाद मैंने देखा कि हमारे पास डेटा टाइप कौन सी हैं, तो डेटा टाइप के पास ये ऑब्जेक्ट है यानी कि स्ट्रिंग वैल्यू पड़ी हुई हैं सारे हैं, इसके अलावा यहाँ दो इसमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़े हैं
इसमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट पड़ा है यानी कि स्ट्रिंग वैल्यूज स्ट्रिंग है आपके कॉलम में। अच्छा दूसरा फिर मैंने महसूस किया कि कार आईडी जो है ना ये फजूल कॉलम है, क्योंकि फजूल कॉलम क्यों है, वो है सीरियल नंबर, मतलब सीरियल नंबर लगा हुआ था जैसे एक इंडेक्स होता है, तो जब हमने डाटा लोड किया तो आपका ना ये साथ ही आ गया 1 2 3 4 5 ये बस ये सीरियल में एक नंबर जा रहा है। तो अगर आप इसको पूरे को देखें तो आप ये देखेंगे कि 1 से लेके 205 तक एक जस्ट एक नंबर चल रहा है, तो इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। ठीक है ये ड्रॉप हो गया। इसके बाद आ गया जी मैं कॉलम चेक करता हूँ, कार डाटा डॉट कॉलम्स ये आपके पास ये कॉलम्स आ गए, लेकिन अच्छा अभी मैंने वो गेट डमीज नहीं किया ना। अच्छा अब आपके पास मैं जो आपसे बता रहा था कि जो जो आपके पास ऑब्जेक्ट है ना स्ट्रिंग वाले में, तो उसको हमने क्या करना है, उसको हमने उसके हमने ले लेने हैं कैटेगरीज बना लेनी है, कैटेगरी कॉलम बन जाएंगे, यानी कि हर गाड़ी की एक कैटेगरी बन जाएगी और उसका एक कॉलम बन जाएगा। तो मैंने क्या किया कि यहाँ से ये वाले नाम ले लिए, ये वाले नाम, ठीक है ये वाले नाम लेके मैं इसको ले गया विजुअल स्टूडियो कोड में, वहाँ जाके पेस्ट कर दिए और मैंने बाकी डिलीट कर दिए, ये रहने दिए, ये और ये ठीक है, ये उठा के मैं ना यहाँ पे ले आया इधर इसमें, तो यहाँ पे लाया और इसको लिखाया कि pd.getdummies, यानी कि डमी कॉलम बन जाएंगे, जो जितने भी नेम मिसाल है कार के नेम है ना, जितने आपके पास 100 नेम है या 100 मॉडल हैं गाड़ियों के, तो car_name_ दैट मॉडल नेम और उसका कॉलम, इस तरीके 100 कॉलम बन जाएंगे इसके डाटा के एंड पे। इसी तरह हर 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 जो कैटेगरी है उसके ना कॉलम बन जाएंगे अलग अलग। ठीक है तो आप ये दिखाता हूँ जब मैं इसे रन करूँगा तो, और अब हम देखें इसमें क्या चेंज आई है, तो आप देखेंगे कि ये सारे कॉलम आगे बन गए। ठीक है सर, ये आपने ये विजुअल स्टूडियो में कैसे किया था आपने, ये ऐसे इसको यहाँ पे कॉपी करें, दरअसल कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब यही जो आपका आ गया ना बस इसको आपने बस कॉपी करके ले जाना है उसमें वीएस कोड में, या आप उसको थोड़ा सा ऐसे ले जाए ना कॉपी करके इधर इसको, सर बिलाल की भी एक असाइनमेंट है उसको भी करना है, बिलाल की असाइनमेंट्स जरा स्पेशल होती हैं, वो असाइनमेंट स्पेशल है। और ये देखे ना ये आ गया ना, बस इसको आप उधर ऐसे ले जाएं उसके यहाँ पे ऐसे कर लें बस ये ऐसे। अच्छा अच्छा अगर ना भी करें तो वैसे भी आप लिख दें चल तो जाएगा। तो इसमें से आपने वो कॉलम डिलीट कर देने हैं जो कि डेटा टाइप फ्लोट है या इंट है, तो वो सर ये सिर्फ जो यानी कि जो आपके है ना स्ट्रिंग वाले कॉलम वो रखने हैं सर। तो, ये तो फिर मतलब कि ये भी घंटे का काम है ढूंढना कौन कौन से, वो मैंने फार्मूला लगाया था, मैंने सिर्फ वो क्यों घंटे का काम है, डेटा टाइप चेक कर ली थी ना, क्यों सारों की डाटा टाइप चेक करके जो जो जिस जिस की डाटा टाइप ऑब्जेक्ट थी वो मैंने उठा के उसको फेंक दिए वेरिएबल में, वो भी ठीक है जबरदस्त है, वो भी ठीक है जबरदस्त है, वो डाटा डॉट कॉलम्स इधर हम अब लगा दें कोई कंडीशन तो वो आ जाएगी, देयर डाटा डॉट डी टाइप इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट आएगा यहां ऑब्जेक्ट कार डाटा इज कार अंडरस्कोर डाटा
इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट जी जी ऐसे एट्रीब्यूट डी टाइप्स आएगा टाइप्स हाँ ये आपकी वो सारी की सारी बहुत अच्छा बताया आपने मतलब आइडियाज नहीं आता जहन में तो ये जो है आपकी ये सारी आ गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आपके 10 हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 11 क्यों दे रहा है इधर कार आइडिया हटा दिया था सर 1 2 3 4 5 6 7 कार आईडी 9 हट गया 8 9 और 1 इंजन टाइप हटा दिया सर कार आईडी हटा दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दस ही हैं तो इधर कितने हैं तो ये को 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है इधर तो इधर क्यों 11 है कौन से वाला है फार्मूला ठीक होगा सिंबलिंग सिंबलिंग के सिंबलिंग डेटा टाइप इन 64 आ रहा है अच्छा सही है सॉरी नहीं नहीं इसमें हमने सिंबलिंग को भी शामिल किया है क्योंकि नहीं नहीं सही है सही सिंबलिंग को भी शामिल कर लिया ना ना करें तो भी मेथड चल जाएगा ये देखें सिंबलिंग ये पहले ही आपके डिजिट्स करना चाहें तो कर ले ना करें तो ये आप उसको वो भी कर सकते हैं मतलब नॉर्मलाइज अलबत्ता मतलब ये है कि ये एक इसको भी मैंने साथ में मतलब 1 hot एनकोड किया है एक्स्ट्रा तो ये तरीका अच्छा है वैसे आप इसको कर ले तो अच्छा है देन आप क्या करेंगे फिलहाल इसको छोड़ देते हैं मतलब आप अगर इसको सिर्फ इसको करके और इसको यहां से उठाएं इस पूरी को और यहां पे आके सीधा पेस्ट कर लें बस कोई जरूरत नहीं है आपको वहां ले जाने की मतलब वीएस कोड में यहां पे डाल दें वो सीधा तो ये हो गया देन आपने ये देखा कि आपके पास ये कॉलम बन गए डेटा डॉट डिस्क्राइब डॉट टी कर दें ये आपके पास आ गया 193 रोज मतलब आपके पास कॉलम आ गए 193 कॉलम्स देन जनाब आप इसको मास्किंग के जरिए ना आपने इसके रैंडम रोज लिखानी है यानी कि आप रैंडम डाटा लेंगे इन दोनों मतलब इस अपना कार के डाटा से मतलब ये हमारा फाइनल कार हमने यहाँ पे लिया ना ये वेरिएबल फाइनल कार तो ये आपका पूरा 193 कॉलम्स बन गए इसके यहाँ पे आपने इसको सर स्क्रीन स्टक हो गई है स्क्रीन क्यों स्टक हो गई है अच्छा मैं करता हूँ दोबारा से अब ठीक है हेलो सर आ रही है अभी स्क्रीन आई नहीं है जी सर आ गई अब आ रही है जी सर आ रही है ठीक ठीक तो ये अब हम मास्क 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 का मतलब है कि ना हम ये करेंगे कि पहले ना रैंडम
असल में ये हमने बहुत ना बहुत ही डिटेल से डिस्कस की हुई चीज़ें हैं सारी, तो हम सिर्फ एक जनरल ओवरव्यू ले रहे हैं। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया कि पहले हमने किया कि एक मास्क जनरेट किया। मास्क क्या जनरेट किया है? अपने नंबर्स का एक मास्क जनरेट किया है कि लेंथ ऑफ द दिस डाटा, मतलब इसके डाटा फ्रेम के इक्वल जो है ना, अपने लेंथ के बराबर अपने एक टेंसर या एक एनम एरे वो जनरेट करा ली। ठीक है, तो वो आपके पास ना क्या आएगी, वो ना जीरो और वन के बीच में ना, जब भी बनाते हैं रैंडम वैल्यूज तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ना ऑलमोस्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनती है। ठीक है, जैसे कि अगर 011 है तो 011 है या 012 है, 013 है या 014 है, इन सब के इक्वल चांस आएंगे। यानी कि अगर वो दो दफ़ा आया तो वो भी दो दफ़ा आएगा। अगर मिसाल के आप तौर पे आपके डाटा की लेंथ 400 है, डाटा की लेंथ आपकी कितनी है, 405 रोज हैं। अभी यहाँ पे हमने किया था ऊपर ये 205 रोज हैं। तो आपके पास फर्ज किया जब आप मास्क करेंगे तो मिसाल के तौर पे 0.11 है और 0.11 जो है ना वो दो दफ़ा आ गया, तो 0.12 भी दो दफ़ा आएगा या तीन दफ़ा आ जाएगा ज़्यादा, क्योंकि दो तीन दफ़ा हर वैल्यू इस तरह रिपीट हो रही होगी। ठीक, तो दैट मीन्स आपके पास जो परसेंटेज बनेगी ना वो आप उसी वैल्यूज़ के हिसाब से बनेगी। अगर आप लिखेंगे ना कि मुझे 0.72 से लेस डाटा चाहिए, तो दैट मीन्स कि आपका 72% डाटा जो है ना वो 0.72 से लेस होगा। ठीक है, तो इसलिए ये वो आपका आप के ट्रेनिंग के डाटा के लिए आप 70% उठाना चाह रहे हैं, तो यहाँ 70 लिखते हैं, तो आपके पास मास्क एक मास्क बन जाएगा जिसके अंदर के आपके पास ट्रू 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 फॉल्स 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 इसमें आएंगे। ये हम ये कंडीशन लगा रहे हैं लेस देन 0.7, तो वहाँ जहाँ 0.7 से लेस डाटा होगा ना वहाँ ट्रू 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 आ जाएगा, और जहाँ 0.7 से ज़्यादा होगा तो वहाँ फॉल्स 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 आ जाएगा। तो आपके पास ट्रू फॉल्स का एक अरे बन गया, एक अरे बन गई ट्रू फॉल्स की, जिसमें कि ट्रू वैल्यूज कितनी होंगी 70% और फॉल्स वैल्यू कितनी होंगी 30%, तो वो आपका एक मास्क बन गया। अब आपने जब वो मास्क इस पे लगाया तो ट्रेनिंग डाटा ट्रेनिंग टोटल इज इक्वल टू फाइनल कार और मास्क लगा दिया अंदर। अब मास्क का मतलब है कि वो वैल्यूज वो इंडेक्सेस जहाँ जहाँ ट्रू है, वो इंडेक्सेस जहाँ जहाँ ट्रू आया हुआ है, तो वो इंडेक्सेस हमें इसमें से उठा दो फाइनल कार में से। ठीक है, जो आपका ऊपर वाला मैं ये है डाटा फ्रेम, तो जब वो आपने उठाए तो आपके पास 70% यहाँ आ गई। और नॉट मास्क का मतलब है जो ट्रू फॉल्स थी ना यहाँ पे मास्क के अंदर जो वैल्यूज फॉल्स थी ना, तो उनके इक्वलेंट वो लाजमी बात है आपको यहाँ से अगर देखेंगे 72 था ना, तो आपके पास यहाँ कितना आएगा 28%, तो 28% डाटा जो है ना वो टोटल टेस्ट में आ गए, टेस्टिंग डेटा में आ गई। तो इसको रन करते हैं, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट भी कर लेते हैं कि कितना आया है दोनों में। अब ये देखें 204 में से 141 इधर आ गया, 72% इधर आ गया, 64 इधर चला गया, तो ये 28% इधर आ गया। ठीक जी, टेस्ट टोटल में फॉल्स डेटा है जी, क्या सवाल है आपका सर? टेस्ट टोटल में जो डेटा जा रहा है वो फॉल्स है जी? जी फॉल्स का मतलब है मास्किंग के जरिए हमने इसको मास्किंग कहते हैं, मास्क के जरिए हम सिलेक्शन करते हैं ना। जब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, फर्ज किया आप मुझे आप ही से सवाल पूछूंगा और आप ही इसका जवाब देंगे। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि एक अरे है 1, 7, 14, 20, 45, 0, ये है, इसको मैं नाम रखता हूँ एक, ये अरे है। अब मैं एक मास्क बनाता हूँ, मास्क
उसकी मैं ये इसके बराबर रखता हूँ लेंथ 1, 2, 3, 4, 5, 6। मास्क में ना पहले लिख देता हूँ ट्रू, दूसरे में लिखता हूँ फॉल्स, तीसरे में ट्रू, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, फिर फॉल्स। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ मुझे एक, आप मुझे ना, मैं कहता हूँ कि टेस्ट डाटा बना, टेस्ट बना के दो इधर से टेस्ट। ठीक है, अब मुझे ना यानी कि यूं समझें, मुझे चाहिए, अब ये तो मैंने शायद 50-50 कर दिया ना, तीन फॉल्स हैं, तीन ट्रू हैं। ठीक है, तो अच्छा मास्क कैसे बनाया मैंने, मास्क दरअसल ऐसे नहीं बनाता मैं मास्क, दूसरे तरीके से। पहले मैं मास्क ऐसे ही बनाता हूँ सिंपल ऐसे, तो मैं कहता हूँ ट्रेन, ट्रेन डाटा। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि ये जो एक ही ए वाली जो लिस्ट है ना, इसमें से मुझे वो एलिमेंट दे दो, मुझे वो एलिमेंट दे दो जहाँ पे जो कि मास्क हो, मास्क। अब मुझे बताओ यहाँ पे कौन सी वैल्यूज आएंगी इस इसके अंदर, राजीव भाई? जी जी सर, सर लेकिन हमें इसमें लेस देन मतलब ये आएगी, वो तो ट्रू वाली, तो ये वन आएगा, 14 आएगा, 14 आ गया, 20 आ गया, अच्छा अब हम टेस्ट की बात करते हैं, टेस्ट की, तो इसमें जितनी भी है टेस्ट की, टेस्ट इज इक्वल टू ए 7450 नॉट मास्क, ये होता है नॉट, नॉट मास्क। ठीक है, जहां पे वो फॉल्स है बिल्कुल, ये आएगा 7450। ठीक है जी, समझ गए बात, ये बात जी, समझ गए जी जी सर। अच्छा अब हम दूसरी बात करते हैं, अब हम दूसरी बात करते हैं, अब हम करते हैं दूसरी बात, इसको क्या करूं, इसको मिटाऊं, क्या हो गया जैसा, ये समझ में आ गया, बस अब असाइनमेंट चल, असाइनमेंट पे आ जाऊं, अगर किसी को अभी भी समझ नहीं आया तो आगे और भी उसकी डिटेल में जा सकते हैं, बता दें जी सर, क्लियर है, ट्रू वैल्यूज इन मास्क, अच्छा क्लियर है। तो हुआ क्या है, दरअसल मास्क का मतलब है कि हमने पहले एक रैंडम वैल्यू जनरेट, ये है रैंडम वैल्यूज, ठीक है, ये है क्या, रैंडम वैल्यूज, और उस रैंडम वैल्यूज की लेंथ कितनी है, लेंथ फाइनल कार के बराबर है, लेंथ क्या है, फाइनल कार के बराबर, तो फाइनल कार में कितनी लेंथ है उसकी, 205 डाटा है, 205 रोज है, ठीक है, तो 205 रोज का एक, उसने 205 वैल्यूज का एक बना दिया अरे, एक वेक्टर, ठीक है। अब उसके हमें ऊपर हमने कंडीशन क्या लगाई, जिसकी वैल्यूज 0.72 से नीचे हैं वो पोजीशंस हमें दे दो, ठीक है, वो पोजीशन हमें दे दो, तो उसने हमें ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू का एक मतलब रैंडम सा एक वेक्टर बना के दिया जिसमें 205 ट्रू फॉल्स हैं, 205 ट्रू फॉल्स आ गए उसके अंदर। ठीक है, जब हमने उसको इसके ऊपर लगाया तो हमने बताया कि हमें मास्क वाला दे दो, मास्क में आएंगे ट्रू वाले, तो वो कितने हैं 0.72, और यहाँ पे हमने कहा कि नॉट मास्क वाले दे दो जो कि फॉल्स हैं, वो कितने हैं 0.28, समझ गए बात, तो वो आपके पास यहाँ पे आ गई। उसके बाद मैंने देखा ट्रेन टोटल में क्या पड़ा है, ट्रेन टोटल में आपके पास ये वैल्यूज पड़ी हैं, ये आप हमेशा याद रखें कि रेंडमाइज जरूर करना है, चाहे आप numpy के उससे कराएं या numpy के तरीके से किया है, एक आपका डाटा फ्रेम का भी तरीका होता है, df.sample के तरीके से भी हो सकता है और इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, तो फिर हमने दोबारा डिस्क्राइब का फंक्शन लगा के देख लिया कि इसमें क्या आ गया है, क्या है,
उसके बाद आगे गए आप, दोबारा देखा डी टाइप लेटर टाइप चेक की, और अच्छा अब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ लेबल्स। लेबल्स जो हैं हमने क्या लेने हैं कि प्राइस वाला कॉलम वो उठाना है, तो उसके लिए हम ये करते हैं लेबल इंडेक्सिंग। लेबल इंडेक्सिंग होता है जब आप यानी कि यहाँ पे कॉलम का नाम यूज़ करना चाहें तो तब लेबल इंडेक्सिंग होता है, तो डॉट लॉक करके होता है वो, और इंटीजर इंडेक्सिंग होती है डॉट आई लॉक से। जब आप इंटीजर यानी कि कॉलम का नंबर यहाँ डालना चाहें तो वो इंटीजर इंडेक्सिंग होती है। तो अब हमें के डॉट लॉक करके प्राइस का नाम लिख दिया, वो ट्रेन लेबल आ गया और इस तरीके से टेस्ट लेबल आ गया, ये हो गया। उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पे ये ड्रॉप करनी है क्योंकि आपकी प्राइसेस तो यूजलेस है ना, आपके डेटा में प्राइस नहीं होनी चाहिए अब, क्योंकि वो आपका टारगेट वेरिएबल है, तो उसको मतलब गायब करना है यहाँ से, ठीक है। तो ये गायब हो गए, ये प्राइस गायब हो गई यहाँ से, यहाँ पे थी प्राइस इधर। अब हम चाह रहे हैं कि ना, अब पता है आपको क्या करना है, अब करना यह है कि हमने मॉडल में जब डालनी है ना अपने इनपुट्स, तो उसके अंदर ये बड़े नंबर नहीं होने चाहिए। अब आपके पास पता है कि यहाँ से यहाँ तक आगे आपके सिर्फ 0101 डाटा आ चुका है, जबकि यहाँ पे आपके मुख्तलिफ वेरिएशन है डाटा में, किसी की वैल्यू 2000 से आगे है, किसी की 100 में है, किसी की 8 1 to 10 है, किसी की इस तरीके से 1 to 4। तो उन वैल्यूज़ को ना आपने नॉर्मलाइज करना है। नॉर्मलाइज का मतलब होता है इन वैल्यूज़ को लो कर लें। लो जब करेंगे तो आपके ना टेंसर मल्टीप्लिकेशन NumPy में बहुत आसान हो जाती है। अगर आप बड़े बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉडल लर्न सही नहीं करेगा और वो कन्वर्ज नहीं करेगा, मॉडल जो है ना उसका लॉस को मतलब सही तरीके से रिड्यूस नहीं कर पाएगा, या शायद ग्रेडियंट जो है ना वो वैनिश हो जाए। तो ये आपने इसको जो है करना है नॉर्मलाइज। अच्छा पहले नॉर्मलाइज करने, अब पता क्या है हमने देखना है कि नॉर्मलाइज हमने किस किस को करना है, अब ये देखना है। तो हम ये देखेंगे कि इससे पहले हम ये मतलब देख लेंगे कि हमने कहाँ से ना वो डमी कॉलम बनाने शुरू किए थे, तो उसका इंडेक्स चाहिए हमें। तो आप ये देखेंगे, मैंने ये देखा कि train.tron.get.columns.get लोकेशन, मतलब उसकी लोकेशन ना मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ कि कौन कौन सा कॉलम किस किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, उसका इंडेक्स पता चल जाए मुझे, ठीक है। तो मैं देखूंगा कि मैंने जब ये कोड रन किया तो ये देखें यहाँ पे आपको पता चल गया कि यहाँ से कॉलम बनना शुरू हुए थे डमी वाले, ठीक है। यहाँ से कॉलम बनने शुरू हुए थे डमी कॉलम, तो ये आपके हो गए। अब दैट मीन्स कि आपने ये 0 से लेके ना इंडेक्स और 12 तक इसको आपने नॉर्मलाइज करना है, क्योंकि आपके ये वाले हैं ना वो सारे, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से इससे आगे भी होंगे, आगे डॉट डॉट छुपे हुए हैं यहाँ से। डमी डाटा हमने ये आपको बताया था ना, डमी डाटा क्यों बनाया, ये आपके उस वक्त मैं बता रहा था ना कि आपके जो स्ट्रिंग वैल्यूज हैं, ये वाली स्ट्रिंग वाली कैटेगोरिकल जो आपके कैटेगरीज है ना इसमें डाटा प्राइस करने के लिए टेंसर में तब्दील करने के लिए वन हार्ट एनकोडिंग हम कहते हैं लेबल्स के लिए, लेकिन हम जब इनपुट फीचर की बात करें तो जब हम इनपुट फीचर की बात करें तो उस वक्त हम इसको वो कहते हैं अपना डमीज कहते हैं, यानी डमीज क्या बोलते हैं उस कैटेगोरिकल कैटेगोरिकल कहते हैं कैटेगोरिकल। अच्छा लेकिन उसने न्यू कॉलम्स क्यों बना दिए, हालांकि न्यू कॉलम्स की तो कोई जरूरत भी नहीं है। देखें इसके दो तरीके होते हैं, एक तरीका ये होता है कि आप इसके जीरो इसको 0 1 में मतलब 0 1 2 3 कैटेगरीज बन जाएं, यहाँ पे आपके नेम जो है ना वो नंबर में चेंज हो जाएं, ठीक सही। गैस है, डीजल है, पेट्रोल है, गैस के लिए 0 हो जाए, पेट्रोल के लिए
पिवट कर देते हैं, मतलब एक एक किस्म का पिवट हो जाता है, कॉलम वाइज चले जाते हैं ये सारी वैल्यूज। हां ये वाले सारे ना, यानी कि यूं समझे कि पिवट बन गया इसका, ये इधर चले गए सारे, इधर चले गए इस तरह एंड पे चले गए, और हर 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 जो स्ट्रिंग है ना, हर मॉडल है मिसाल के तौर पे, हर मॉडल का एक कॉलम बन गया, ठीक है। ये बातें बहुत ही डिटेल से हमने डिस्कस की हुई हैं पिछली सारी क्लासेस में, पता नहीं ये वो वीडियोस अपलोड हैं या नहीं है, अब ये नहीं मुझे पता। तो खैर यहाँ पे बुज़दार सर यहाँ पे वो वीडियो अपना वो शेयर कर दें, अगर कोई भी बंदा जो है ना वो लिंक भी मांग रहे हैं तो वो देख लेंगे वो वहाँ से। अच्छा जी अब आपको पता चल गया कि यहाँ से हमारे डमी कॉलम स्टार्ट हो रहे हैं, तो उससे पहले जो कॉलम है उनको हमने नॉर्मलाइज करना है, क्योंकि डमी कॉलम को नॉर्मलाइज नहीं करना है क्योंकि वो 010101 में है, सही, तो वो ऑलरेडी ही यानी कि 01 में है, तो उन सबको यहाँ से एंड तक जो है ये सारे डमी कॉलम आ रहे हैं आपके यहाँ तक, ये आप नोट कर रहे हैं ना, देखें ये फ्यूल था ना, फ्यूल 2BBL, फ्यूल 4BBL का एक कॉलम बन गया, फ्यूल IDI का एक कॉलम बन गया, MiFi इस तरीके से फ्यूल टाइप्स का फ्यूल सिस्टम टाइप है, तो उनका सबका अलहदा कॉलम बना दिया उसने, और उसमें 0101 लगा दिए, जहाँ जहाँ वो जहाँ जहाँ ये वाला टाइप होगा वो 1 होगा, जहाँ ये टाइप नहीं होगा मतलब जहाँ ये टाइप नहीं होगा यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। अच्छा अब नॉर्मलाइज करने का वक्त आया, तो इसके ये सिंपल सा फार्मूला है, इसको नॉर्मलाइज करते हैं इस तरीके से, ठीक है, इसको आप समझ के कीजिएगा, ऐसे नहीं ये कैसे क्या हुआ हुआ है, इस चीज़ को समझ के, ये बुक के हिसाब से हुआ हुआ है, आपके चैप्टर 2 में 3 में यही तरीका 3 में ये तरीका इस्तेमाल हुआ हुआ है, तो ये हम ये सोच रहे हैं कि यही असाइनमेंट जो है ना हम अपने एज अ माइलस्टोन के लिए करें, और बाकियों को बस ऐसे ही जो मर्जी अशर करो उसका, ठीक है, पास ही होना है ना, पास इस पर हो जाएंगे, बाकी जो है ना ये हो गया। उसके बाद आपने देखा कि अब ये आपके खैर ये तो मीन चेक कर रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, ज़रूरत नहीं है, फिर आपने लेबल्स को साथ भी ऐसे ही किया, नॉर्मलाइज किया, ये बिल्कुल बुक वाला तरीका है, ठीक है, अगर आपको यहाँ समझ नहीं आया तो बुक में देख दीजिएगा सर। वैसे लेबल्स को नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत थी जी, लेबल को ना भी करें तो भी चल जाता है, लेकिन हमने देखा कि इसके इससे भी सही रिजल्ट आते हैं, उससे भी सही रिजल्ट आते हैं, कोई नहीं कर लें या ना कर लें आपकी आपकी मर्जी है, लेकिन यह कि ना करें तो सिंपल हो जाएगा, आखिर में आपको वैलिडेशन के लिए दोबारा डी नॉर्मल अपना प्रिडिक्शन के लिए डी नॉर्मलाइज नहीं करना पड़ता है, इधर आपको यहाँ पर नॉर्मलाइज करेंगे तो वहाँ फिर डी नॉर्मलाइज उल्ट प्रोसेस करेंगे इसका, कर सकते हैं हम इसको, अगर यहीं से यहाँ पे अगर हम इसको बंद भी कर दें तो चलेगा काम, मतलब कोई ऐसा इशू नहीं है, बस यह है कि हमें आगे जाके उसके सारे नाम चेंज करने पड़ेंगे बस, अगर कहते हैं तो उससे भी हो सकता है, मतलब उससे हो जाएगा, इट डज नॉट मैटर, आप अगर इसको ना करें तो भी हो जाएगा, मतलब सिंपल है, सिंपल और स्ट्रेट, ठीक हो गया। अजी अब हम इसको नम फाई अरे में ले लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा बेहतर है कि आप डाटा फ्रेम की बजाय उसको np.array करके उसमें np, आप हमेशा जो बेहतर यही होगा कि आप अपना इसके अंदर डाटा जो है ना नम फाई अरे की सूरत में डालें, डाटा फ्रेम की सूरत में ना डालें, ठीक है। तो ये मैंने इसके बना लिए टेंसर्स, नम फाई अरे के टेंसर्स, और यहाँ पे आ गया मॉडल सिलेक्शन, मॉडल सेक्शन आ गया, अब हम मॉडल डिफाइन कर रहे हैं सिंपली, मतलब ये तो आपका सिंपल तरीका है जो है आपका बुक में है सारा, ये वही बुक से कॉपी किए हुए हैं सारे ना। ये क्या कह रहा है,
build model relu module keras dot backend has no attribute unique object name. ये मैंने नई लाइब्रेरी डाउनलोड की है उससे आ रहा है ये मसला. हो गया नहीं, ये नहीं हुआ ना समरी वाला. अच्छा आगे चलते हैं. क्या कह रहा है समरी नहीं बिल्ड कर रहा समरी. तो ये हमारा मतलब मॉडल हो गया. रेगुलराइजेशन लगाई है इधर जो हमारे चैप्टर फोर में है रेगुलराइजेशन उसके साथ. फिर आपका दूसरा आपका हो गया ड्रॉप आउट वाला मॉडल. एक ड्रॉप आउट लगा दी है यहाँ पे आपके चैप्टर फोर में ड्रॉप आउट है. ठीक है उसके बाद वैलिडेशन कराते हैं. हाँ हाँ यहाँ पे भी वही एरर आ रहा है. यूनिक ऑब्जेक्ट नेम इसको मैं उसमें चलेगी. यहाँ मेरे मैंने कल एक नई लाइब्रेरी डाउनलोड किया इसकी वजह से मसला आ रहा है. मैं जीपीयू को ऑप्टिमाइज कर रहा था ना. आपके लैपटॉप में जीपीयू लगा है सर? आवाज आ रही? जी जी जीपीयू है ना सर. जीपीयू इसलिए तो चल रही है. जी जी जीपीयू को उसमें ब्लेड ML एक लाइब्रेरी है केरस की वो ही इसको ऑप्टिमाइज कर रहा है वरना ये चलता नहीं था. आप अगर चलाना चाहते हैं ना आपका भी ऑप्टिमाइज हो जाएगा लेकिन उसमें ये फिर मसले आएंगे ये वाले. जी सही किया सर आपने. ओनली 2% आंसर इज करेक्ट. इतना मजे की परसेंटेज लो है इसकी. किसकी? और 3 नंबर दिए हैं उसको. जी मेरे मॉडल के साथ इमेज वाला मॉडल तो चला रहा है लेकिन दूसरे मॉडल प्रॉब्लम कर रही हैं. चलो इसको उधर चला लेते हैं फिर जाके. अच्छा उसको मैं वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर साथ साथ जो है ना आपके ये फिर वैलिडेशन आ गई. यहाँ पे वैलिडेशन ये बुक वाला कोड वही बुक वाला कोड ही है. तो यहाँ पे वैलिडेशन हो जाती है इसकी. मतलब अगर इसमें किसी को मसला है तो वो वीडियोस की तरफ रेफर करे. बहुत डिटेल से हमने डिस्कस की हुई है वैलिडेशन कैसे हो रही है ये सारा आपके वैलिडेशन चंक कैसे बनता है इधर लूप के जरिए. तो फिर हमें इसको ट्रेन करा सारे इसको सारे वैलिडेशन को हमने देख लिया इधर. फिर वैलिडेशन स्कोर आ जाएंगे हमारे पास. यहाँ पे हम अपेंड कर रहे हैं वैलिडेशन स्कोर एवेल्यूएट करके ना और उसको फिर अपेंड करते हैं स्कोर. आफ्टर दैट हमारे पास ये सारे स्कोर हमने प्रिंट करा लिए इधर सारे मॉडल्स के.
अच्छा ये इसमें जो है हमने ना जो मॉडल बनाए हैं उसके अंदर हमने यहाँ आप जाएं तो ये फंक्शन बनाए हैं हमने मॉडल्स के, यानी हर मॉडल का एक फंक्शन है, उसके अंदर से यहाँ पैरामीटर पास कराते हैं। जैसे एक्टिवेशन फंक्शन है तो एक्टिवेशन फंक्शन की जगह ये आप पैरामीटर का नाम दे दें, तो जब आप मॉडल कार करें कॉल करेंगे तो उसके अंदर एक्टिवेशन फंक्शन का नाम डालेंगे। जैसे आपके टैन हाइपरबॉलिक है तो वहाँ जब आप कॉल करेंगे तो टैन हाइपरबॉलिक यहाँ पैरामीटर पास कराएंगे तो यहाँ से ये पास होके तो फिर आपके यहाँ आके ये बैठ जाएगा, फिट हो जाएगा इधर एक्टिवेशन फंक्शन इस तरीके से, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ये जी चीज़ें ऐसा आप स्कोर आ गए, ठीक है। और मतलब आप अगर उस पर करेंगे ना अगर बगैर नॉर्मलाइज किए तो ये आपके स्कोर बहुत बड़े बड़े आ रहे होंगे, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, तो उससे नहीं घबराना। अगर आप ये देख रहे हैं ना स्कोर, इससे आपको 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दें 1000 से, तो वो आपका असल में स्कोर होगा। 1000 भी नहीं बल्कि 10,000 से, 10,000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो आपका ये उसके इक्विवेलेंट स्कोर बनेगा। तो ये बाकी स्कोर तो बहुत बहुत ज़्यादा ही आ रहे हैं मेरे, मैं यही देख रहा था कि स्कोर ज़्यादा क्यों आ रहा है, जैसे 3,500 जी, ये देखें ना, ये भी अगर आप इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करें तो वही आ रहे ना। तो ये इसके आंसर यही है या हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, आप भी ठीक कर रहे हैं, हम भी ठीक कर रहे हैं, ठीक है। मकसद ये है कि प्रेडिक्शन आपकी आनी चाहिए ठीक। तो प्रेडिक्शन, चलिए प्रेडिक्शन तक पहुंचे ना फिर देखते। तो मसला बेहतर यही, बेहतर यही है कि आप ना उसी को कर लें, यानी कि रेगुलर अपना उसको ना करें लेबल को अपना नॉर्मलाइज, ठीक है, लेबल को ना करें नॉर्मलाइज। जो आपका कंटिन्यूस अपना लीनियर रिग्रेशन वाला प्रॉब्लम है ना उसके अंदर आप लेबल को नॉर्मलाइज ना ही करें तो बेटर है। तो अब हम यहाँ पे फिर उसके बाद हमने सब 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 मॉडल्स के ऊपर इवेल्यूएट करा लिया है, मतलब फिट करा लिया उसको। अब पहले सॉरी फिट कराया ट्रेनिंग डाटा के ऊपर, पूरे मॉडल सारे मॉडल्स को ट्रेनिंग डाटा के ऊपर, रेलू के साथ और हाइपर रेगुलराइजेशन वाला, यानी कि जो ऊपर फंक्शन बनाए थे ना अपने मॉडल्स के, उसके हिसाब से फिर इसमें आपने वो पास करा के फंक्शन कॉल करके तो आपने फिर वो उसको फिट करा दिया इधर। उसके बाद ये सारे आपने देख लिए, इसके स्कोर आएंगे यहाँ पे, हर मॉडल का एक स्कोर आएगा ये वाला। देन आपने प्रेडिक्शन के सेक्शन में आ गए, प्रेडिक्शन में जो है यहाँ मैंने एक ये आपको जो है मैंने असल में क्या किया कि वो डी रेगुलराइज किया है, यानी कि जो आपने रेगुलराइजेशन का मेथड बनाया था ना कि एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस वी, ये था आपका रेगुलराइज, तो उल्ट प्रोसेस करेंगे तो वो डी रेगुलराइज, यानी कि आपने वाई चाहिए ना, तो वाई चाहिए तो आप वाई इज इक्वल टू क्या करेंगे, एक्स मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन और प्लस मीन, तो ये आपको वाई चाहिए, ठीक है। तो उसी तरीके से आपने ये मतलब डी रेगुलराइज कर लिया, ये वही काम किया इधर। तो इसमें हम मॉडल पास करेंगे, या अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो ये सिर्फ आपने क्या करना है, आप ना जो आपके लेबल्स हैं ना आप उसको ना नॉर्मलाइज ना कीजिए, इसको भी करके देख लेते फौरी तौर पे। यहाँ पे अगर कोई गाड़ी वाली आपने फंक्शन बनाया था इसमें सिर्फ यही हो रहा है कि जो नॉर्मलाइज थे उनको डी नॉर्मलाइज आप कर रहे थे सिर्फ। हाँ बस उसमें यही हो रहा है, उसमें यही हो रहा है, ठीक। इसको हम रन कर लेते हैं अगर फौरी तौर पे, बगैर उसके भी रन कर देते हैं। यहाँ जाके अगर इसको मैं ख़त्म कर दूँ ना तो आपके वो वैल्यूज ही आएंगी उधर, आपको वो भी नहीं बुलाना, वो भी नहीं करना पड़ेगा नॉर्मलाइज, डी नॉर्मलाइज भी नहीं करना पड़ेगा, तो वो बगैर उसके ही हो जाएगा। ये यहाँ पे जैसे मैंने ये इसको ख़त्म किया हुआ है ये लेबल्स को,
इसकी वैल्यू देखें। शोका साहब एक मिनट, वो मॉडल पे जाएं, मॉडल पे जाएं, उसमें इनपुट शेप का जरा मुझे कॉन्सेप्ट जरा क्लियर कर दें। ये इनपुट शेप जो है, वो शेप जो है जी जी ये वाली, इसका थोड़ा सा क्लियर कर। जी 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 ये वन देना है, हालांकि वो कह रहे थे जितने आपके फीचर्स हैं उतनी आपकी इनपुट होगी। हाँ हाँ, तो ये वही है ना सर, नासिर आप कह रहे थे। तो हम जी हमारे शेप है ना, हमारे 12 हैं टोटल, प्राइस समेत 12 हैं ये कह रहे हैं। नहीं नहीं, हमारे पास 193 फीचर हो गए हैं, 993। वो तो डमीज के साथ, अगर मैंने बगैर डमीज के किया ना, वो जो डमीज के किए, बगैर डमीज के किया तो आप ट्रेन, बगैर डमीज के किया तो आप, वो ठीक है, वो इट्स ओके, बगैर डमीज के आपको ठीक है। अच्छा मैंने ये आपके बगैर बगैर उसके वन को, अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, ठहरें अभी बताता हूँ, अभी सिर्फ एक मिनट वेट करें, उसकी रीज़न बताता हूँ आपको। ये इनपुट शेप का काफ़ी स्टूडेंट्स को मसला आता है, यहाँ पे मैं सबका क्लियर कर देता हूँ। सर आज वैसे भी हाउस फुल है तो काफ़ी चीज़ें क्लियर कर ही दें। जिसने जो क्वेश्चन पूछने ना खुल के पूछे, आज सबको आज़ादी है, आज आखिरी दिन है असाइनमेंट्स का, आज़ादी है जहारे सवालात। सर सजाद साहब इसको कैसे कहेंगे उर्दू में? ऐसे ही है जी, आपने अभी इनवाइट करना है, एक मिनट अभी आपने इनवाइट करना है। और सर जी छोड़े बस, हाँ उन्हें कह दूसरे आईडी से आइए, उन्हें कह वापस पहले वाले आईडी से आइए, ऑफिशियल आईडी से, ऑफिशियल से आ जाए। हाँ इमरान भाई समझाएं, ठीक है इमरान भाई समझाएं, ये हमें समझाने वाले लोग हैं जी। मिस रिदा का क्वेश्चन है जी, प्लीज। आपकी आवाज चेक कर रही हूँ सर, वो ये पूछना चाह रही है कि एक्यूरेसी मॉडल की कैसे चेक करते हैं, ये जरा काइंडली एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका। अब्दुल कयूम माइक ऑफ कर। अच्छा मैं, अच्छा हवा जो है अब्दुल कयूम भाई के माइक से आ रही है। अच्छा ठीक है सर, एक्यूरेसी वो कहते हैं कैसे मालूम करते हैं मॉडल की, ये जरा एक्सप्लेन करते हैं सर। अच्छा जी, एक्यूरेसी आप जो है ना कि आपके जो लीनियर रिग्रेशन का प्रॉब्लम होता है उसके अंदर आपकी जो एक्यूरेसी नहीं होती, उसके अंदर आपका मैट्रिक होता है, मैट्रिक होता है आपका मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है मीन एब्सोल्यूट एरर, तो वो जो है आपका जो है मतलब एज एज क्लोज टू एज मतलब आपके जो आता है ना जो आपकी एवरेज एवरेज प्राइस है ना, एवरेज प्राइस नहीं नहीं एवरेज प्राइस है ना, उसके आसपास मतलब ज़्यादा दूर ना हो उससे, ठीक है तो मेन प्राइस से ज़्यादा दूर ना हो वो आपका, तो आपको मैं उसको किताब खोल के दिखाता हूँ, वहाँ से आपको दिखाता हूँ वहाँ से, क्योंकि हम बुक को रेफर करें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है आपको मैं बुक से पढ़ के सुनाता हूँ वो चीज़। अब आपके पास यहाँ पे जो है मिसाल के तौर पे इनका जो आया है ना MAE
मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर यहाँ पे आ रहा है 2.55, ठीक है 2.553। अब दैट मीन्स वो कहता है कि इसका मतलब है कि हमारी जो प्राइसेस जो जो वेरिएशन कर रही है ना, जो एवरेज से, एवरेज प्राइस से जो वेरिएट कर रही है हाउस की प्राइसेस, तो ये आपके पास 2.553 आया। तो वो कहता है कि 2550 जो है ना हमारा अभी भी फर्क आ रहा है प्राइसेस में, ठीक है, यानी कि आपकी मीन प्राइस से ये प्राइस डिफर कर रही है 2000, मतलब ऊपर नीचे आ रही है 2550। तो ये होता है आपका MAE का मतलब, ठीक है, ये मतलब होता है। तो अब इसमें ये 2000 हमें कैसा पता चला कि ये 2550 कैसे आया है? ये ऐसे आया है कि आपके पास जो हाउस की प्राइसेस दी हुई हैं वो दी हुई हैं थाउजेंड ऑफ डॉलर में, ठीक है, ऐसे ही है ना, थाउजेंड ऑफ डॉलर में दी हुई है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है। जी जी, 1000 डॉलर, थाउजेंड ऑफ डॉलर में दी हुई है। और उसकी वैल्यू जो है हमारे पास कैसे आ रही है डाटा सेट के अंदर आ रही है 2.5 या 30.5 या 20.5, ठीक है। तो आपने उसको हजार से मल्टीप्लाई करना होगा, जैसे कि आपकी मिसाल है ये देखें, ये आपके 15.2 है, 15.2 का क्या मतलब है, कोई बताए मुझे, 15.2 का यहाँ क्या मतलब होगा, 15,200, ठीक है, आप हजार से मल्टीप्लाई करेंगे ना इसको, ठीक है। यहाँ आपका 19.4 है, 19,400, ठीक है। तो जो आपका एम ए ई आया ना नीचे, जो आपका एम ए ई आया वो है 2.553। तो दैट मीन्स आपकी जो प्राइस आएगी 2553, तो आपकी जो फर्क आ रहा है ना एवरेज प्राइस से ऊपर नीचे जो प्राइस हो रही है, यानी कि जो वो आपकी 2550 डॉलर जो है ना ऊपर नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये है इसके अंदर, बात समझे आप। अब अगर हम जाएं तो इसको क्या हो गया है, अच्छा यहाँ पे प्रेडिक्शन भी, अब जो है यहाँ पे अगर आप आए, मैं आपको यहाँ बताता हूँ, ये देखें हमारा एम ए ई कितना आया है इस पे, 1831, यहाँ पे आया 12,649, यहाँ पे आया 1968, ये डिफरेंट मॉडल के आ रहे हैं, यानी कि डिफरेंसेस, मतलब रेगुलराइजेशन के साथ ये आ रहा है और ड्रॉप आउट मॉडल के साथ ये आ रहा है डिफरेंस प्राइस का, यानी कि आपकी गाड़ियों की प्राइसेस में ना जो ऑन एवरेज, मतलब इतना ज़्यादा आप, इतना फ़र्क आ रहा है आपकी प्रोडिक्शन के ऊपर, ठीक है। अगर मिसाल किसी गाड़ी की प्राइस है 40,000 है, तो मतलब आप कह सकते हैं कि हमारी प्राइस प्रोडिक्ट होगी 38,000 लगभग या 42,000 ऊपर नीचे, ठीक है, ये होगा। तो ये हमारे पास इसका मेजर का एक होता है, यानी कि स्केल के, ये आपकी प्राइसेस इतने से डिफर कर रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखें, अब आपके पास जो है ये एक्चुअल प्राइसेस थी, प्रेडिक्शन आई है हमारे पास, अभी मैंने जो मॉडल चलाया ये प्रेडिक्शन आ गई हैं। जैसे ये पहली प्राइस 14,893 थी, तो यहाँ पे 13,495 असल थी, 15,976 थी, तो यहाँ 16,430 मतलब प्रेडिक्शन ये आई है, तो असल ये थी लेवल के साथ इतना ज़्यादा मतलब, उसके साथ हमारा जो प्रेडिक्शन आती है उसके साथ हम कंपेयर कर लेते हैं। हाँ जी, ये मैंने कंपेयर, यानी कि प्रेडिक्शन प्रेडिक्ट कराई ना यहाँ पे प्रेडिक्ट, ठीक है, ये पर्टिकुलरली मैंने रेगुलराइजेशन वाले मॉडल पे प्रेडिक्ट कराई, ठीक है। तो रेगुलराइजेशन वाला मॉडल जो है उस पर प्रेडिक्शन करा के फिर मैंने उसको देखा है 10 वैल्यूज़ पहली, उसकी 10 वैल्यूज़, और इसी तरह से मैंने ट्रू लेवल जो थे उसकी 10 पहली 10 वैल्यूज़ उठा ली। तो उसमें फर्स्ट क्या ये है, ये कितनी प्रेडिक्शन कितनी आई है 9519, तो हमारी एक्चुअल प्राइस थी 9,000, ठीक है। तो ये आपको एम ए ई का पता चल गया ना, एम ए ई का फ़र्क ये होता है। तो बस ये आपका हो गया। उसके बाद हमने वो दूसरा जो था ना, वैसे सज्जाद साहब मैं कहता हूँ कि हम ना ये जो हमारा जो प्रॉब्लम है ना,
प्रेडिक्शन इसको प्लॉट करते हैं, प्रेडिक्शन हो गई ना आपकी, ये होगी ना प्रेडिक्ट, इसको प्लॉट करते हैं, इसके लीनियर रिग्रेशन का प्लॉट होता है, वो मैंने वहां कराया हुआ है दूसरे उसके ऊपर, यहाँ कराया हुआ है, ये देखा है आपने, ये आपकी लाइन बनाते हैं ना कि लीनियर रिग्रेशन की लाइन जो फिट करते हैं, तो आपको देखते हैं कि बेस्ट फिट कहाँ मिलता है। सर ये कोड दिखाएंगे इसका क्या लिखा आपने? मैंने आप सर शेयर की हुई है पूरी फाइल शेयर की हुई है। अच्छा, इसका कोड क्या, कोड कैसे है वो भी सुन लें। कोड ऐसे है कि ये देखें, मैंने पहले बनाया है प्रेडिक्शन का, फिर वो असल में वही है ना, ये प्रेडिक्शन के लिए अलग से आपको वो करना पड़ता है। पहले आपने बनाया कि मतलब वही डीनॉर्मलाइज किया है, लेकिन अगर आप बगैर लेबल को नॉर्मलाइज किए करें तो फिर हाँ, तो ये आपका ये। उसके बाद क्या है, यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है प्लॉट का, ठीक है, और उसके अंदर से इसको कॉल कराएंगे, इस फंक्शन को कॉल कराएंगे, ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ से हम ये जो अब हम हर मॉडल को ना बुलाएंगे, हर मॉडल को कॉल करेंगे, यहाँ से हर मॉडल के ऊपर अलग प्लॉट बनाना है। तो हर मॉडल को कॉल किया और उसका नाम दिया, ठीक है, मॉडल का नाम दिया और नाम उसको कॉल किया, उसको हमने यहाँ पे पास करा दिया इस फंक्शन में। इस फंक्शन से जब पास कराया वो यहाँ से आया, ये दोनों आ गए यहाँ पे, मॉडल का नाम और मॉडल खुद मॉडल और उसका नाम, जब वो आएगा यहाँ पे तो फिर हम ये फंक्शन कॉल कराएंगे प्लॉट वाला, ये प्लॉट वाला कह रहा हूँ, प्रेडिक्शन वाला, प्रेडिक्शन फंक्शन कॉल होगा तो उसके सारी वैल्यूज हमारे पास यहाँ आ जाएंगी, और फिर हम उस वैल्यूज को वाई ट्रू वाई प्रेड उसको यहाँ पे हम डाल देंगे इधर, और वो प्लॉट आ जाएगा फिर। ठीक है, बात समझे? जी सर। सर ये जो ये वाला ब्लॉग अभी ये numpy वाला है ना, कोई शक है इसको, इसमें किसी को नहीं, कोई मसला नहीं सर। सर इसको कॉपी करके अगर आप पेस्ट कर दे इधर चैट में तो मेहरबानी होगी। numpy वाले क्या करना है, इसको कॉपी करके चैट में पेस्ट कर दें आप। 228 ब्लॉक को ना कॉपी करके तो चैट में आप पेस्ट कर दें, ताकि सारों के पास चला जाए, मैं भी चेक कर लूंगा। आपकी आवाज बिलाल, आपकी आवाज, आप क्या बोल रहे हैं, किसको कह रहे हैं, क्या सवाल कर रहे हैं, कुछ सही से बताएं ना। सर वो कह रहे हैं कि जो 228 का ब्लॉक है ना उसे उसमें पेस्ट कर दें, चैट बॉक्स में पेस्ट कर दें। किस चीज को बाबा? ये यार आवाज नहीं आ रही, मेरे ख्याल में मेरा नेट सही नहीं है। आप बताएं। जी जी आपकी आ रही है, क्या कह रहे हैं? 228 223 सारा ये फाइल तो पहले दी हुई है। अल्लाह का शुक्र सर, हमारे जितने भी आज हैं ये गायब रहते हैं आमतौर पे। सियाद भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र राणा साहब। जनाब आप सुनाए कैसे? सजाद साहब फोन तुम्हारी मर्जी है सर। है वो लिंक है किसी के पास, वो अपना जहाँ पे अपलोड, सॉरी वो अच्छा शुक साहब मैं अभी जाऊंगा क्योंकि राणा साहब आ गए और नहीं सर आपके होते हुए किसी की जरूरत ही नहीं है। तो मेरी सुबह मीटिंग है तो मैं इंतजार कर रहा था कि कोई आ जाए ऐसे ही। तो हमारे सर पे डाल के मत जाएं।
सर आप आपके होते हुए जनाब अब हम महफूज हाथों में होते हैं। मैं इस पढ़ी लिखी आवाम को अकेला जवाब नहीं दे पाऊंगा, आप इधर सर आपकी मौजूदगी आपने आपके पंजाबी खंगारे काफी नहीं नहीं भाई सारे जनाब मैं जरा काफी बिजी सी मैं क्या हूं मैं जाके देखा शायद क्लास खत्म ही ना हुई हो बस सो रहे थे आप बाप आए तो थोड़े जागे हैं वो तो बता दी मैंने 82 है और मैंने ग्रुप में शेयर भी कर दिया 50 बॉक्स के बाद 82 है शोले बाबा शोलेट बाबा की अब देखें सही है सर जबरदस्त है सही है सर फिर मैं शोके साहब आपके यहाँ पे कितनी आ रही है फ्लावर्स की हमारी तो 30 के करीब आ रही है अच्छा वो कल किसी ने जो लिंक शेयर किया था उसमें उसकी तो वो 95 भी नहीं पा रही थी 95 भी है सर वो कैगल पे पड़ा हुआ लेकिन पॉइंट ये है कि हम पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि एक पिक्चर्स वाले डाटा को करना है वो डेंस वाले मेथड से अच्छा ये किसी ने सवाल पूछा कि ये वाला 22-23 वाला कोड क्या है 23 वाला कोड ये डीनॉर्मलाइज है यानी कि पहले नॉर्मलाइजेशन कैसे करते हैं और डीनॉर्मलाइजेशन कैसे ये देखे ना ये है नॉर्मलाइजेशन ठीक है तो इसका उल्ट क्या होगा डीनॉर्मलाइजेशन ठीक है y is equal to x multiply standard deviation और प्लस मीन ठीक है तो वो है आपका डीनॉर्मलाइजेशन इधर आप ये कर रहे हैं इधर इसमें ये कर रहे हैं डीनॉर्मलाइज हो रहा है मतलब y true किसके बराबर है टेस्ट लेबल मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ लेबल प्लस मीन ठीक है वही बस यही हो रहा है और इसमें कोई साइंस नहीं मैंने लगाई जी सर ये जो पॉलीफिट है ये क्या जी का काम कर रहा है np डॉट पॉलीफिट ये नॉर्मलाइज था 220 पॉलीफिट कौन सा जी ये वाला जी यार ये कोड उठाया है मैंने नेट से उठाया है अलबत्ता ये मैंने मैट प्लॉट क्लिप का ही कोई है पॉलीफिट y ट्रू y प्रेड 1 अब इसका मुझे इतना नहीं आईडिया प्लॉट्स के अंदर मेरा इतना वो नहीं है ये नेट से लिया है कोड ठीक हो गया सर मैंने लिखा था लीनियर रिग्रेशन प्लॉट इन मैट प्लॉट लिब ठीक है तो वो उसने मुझे दिखा दिया उसके ऊपर मैंने कॉपी करके यहाँ पे लगा दिया और उसके अंदर y ट्रू y प्रेड बस उसमें फिट कर दिए हैं और वो खुद बहुत चल पड़ा है इसमें मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी नहीं, नहीं, क्या है क्या नहीं है अगर आपने इसको पढ़ना है तो फिर वो ये पॉलीफिट का फंक्शन जो है ना नंपाई का वो अगर आप डिटेल में पढ़े तो वो समझा देगा कि ये फंक्शन है क्या ठीक है नहीं एनपी ना लिखें नंपाई स्पेस पॉलीफिट लिखें क्या आ गया सर हां ये हां ठीक है उसने वो जरा समझदार है गूगल उसने खुद ही रिप्लेस कर दिया np dot polyfit least square polynomial fit this form part of an old polynomial api since version for a polynomial fit a polynomial of x degree of degree of points x y return a vector of coefficients p that minimizes the squared error in order तो ये कोई मैथमेटिकल आपकी पॉलिनोमियल जो होती है ना जैसे इक्वेशन होती है पॉलिनोमियल इक्वेशन तो उसका आपको प्लॉट करता है ये तो उसको एक में एक वेक्टर देता है ना कोएफिशिएंट का दो वैल्यूज लेके ऐसा ही या मल्टीपल वैल्यूज लेके
जी असल में क्या होगा कि जब आपकी जो आएगी ना मतलब प्रेडिक्शन आएगी, प्रेडिक्शन जरूरी नहीं कि आपकी लीनियर हो सकता है केवल नॉन लीनियर हो, ठीक है। अगर nth डिग्री मतलब सेकंड डिग्री या थर्ड डिग्री या फोर्थ डिग्री आपकी होगी इक्वेशन, तो वो आपका नॉर्मल तो नहीं आएगा ना, आपकी लीनियर रिग्रेशन नहीं बनेगी, वो आपकी बनेगी कर्व। तो फिर वो कर्व को भी ड्रा करेगा ना, ये इस तरह के nth डिग्री पॉलिनोमियल को ड्रा करता है, return a vector of coefficient p that minimizes the squared error in order of degree minus 1 degree minus 2 degree 0, matlab aapki nth degree jo hai na uske aapke coefficients aapko return karta hai. Confusion matrix yahan pe isme linear regression mein to confusion matrix nahi hota, to ab isme koi samajh na aayi hogi cheez bata de. Asal mein agar aap इसकी वैल्यू हम प्रिंट कर सकते हैं, ये जो इसने रिटर्न, इस मेथड ने जो वैल्यू रिटर्न की थी, किस मेथड ने सर? ये अभी इसी का जो पॉलिनोमियल मेथड था वो एनपी डॉट, ये भी इसके पढ़ रहे थे हम लोग। अच्छा वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, वैल्यू रिटर्न आप करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं या प्रिंट करा दें, उसको प्रिंट करा के देखना चाह रहे थे, एक नया सेल बना के प्रिंट करा सकते हैं, ये आपके सेल है ना, लोडेड है ना ये सारे सेल? एक मिनट वो मेरा ना इस पर, मैंने एक नई लाइब्रेरी डाउनलोड की है, वो उसने ना मेरे यहाँ पे प्रॉब्लम कर दिया, ये कार वाली इसको नहीं रन कर रहा ना, एरर दे रहा है, वो पिक्चर वाली तो कर रहा है, कार वाली को बंद कर दिया उसने। क्या एरर दे रहा, नीचे जाए जरा, ये वाला मॉड्यूल सेकंड हैज नो एट्रीब्यूट यूनिक। हां तो वो ठीक है ना, जो आपने मॉड्यूल यूज किया उसमें ये वो नहीं है, इसके आगे वो लगाए डबल कोट्स, ये अगर फंक्शन है तो डबल कोट लगाने पड़ेंगे ना आपको, सॉरी ये पेरेंथेसिस, स्मॉल पेरेंथेसिस लगाने पड़ेंगे सर, वो ये वाला है ना, वो तो आपके मॉडल में डिफाइन, या मॉडल है ना, जैसे यहाँ इस मॉडल में कोई प्रॉब्लम हो, कहता है कि मैंने जब मॉडल मॉड्यूल डॉट समरी नहीं किया, मॉडल डॉट समरी करता हूँ ना उसको, ये पढ़ते रहे ना वो किस जगह में आया, आपको कुछ नहीं हो गया क्या आपने उसमें? ये आया यहाँ पे मॉड्यूल मॉडल डॉट सिक्वेंशियल में, यहाँ प्रॉब्लम है, गैरस डॉट बैकएंड हैज नो एट्रीब्यूट यूनिक, अब ये फ्लावर वाली चल रही है लेकिन ये नहीं चल रही, इस सर खाली सीक्वेंशियल लिखे ना, मॉडल डॉट सीक्वेंशियल ना लिखे आप, सीक्वेंशियल लिखे खाली। अच्छा जी वो आपने इंपोर्ट असल में सीक्वेंशियल कर दिया ना, तो आपको वहाँ पे सीक्वेंशियल लिखना पड़ेगा खाली, कि मॉडल्स डॉट, यहाँ पे मॉडल्स डॉट सीक्वेंशियल पे, जहाँ पे आपको एरर आ रहा है वहाँ पे मॉडल्स डॉट हटा, हमने इंपोर्ट नहीं कराया सीक्वेंशियल शायद यहाँ पे, नहीं तो फिर उसको ये कहना चाहिए था ना कि सीक्वेंशियल अवेलेबल ही नहीं है, नहीं सीक्वेंशियल अवेलेबल है लेकिन मॉडल्स डॉट सीक्वेंशियल नहीं है, वहाँ पे सिर्फ सीक्वेंशियल आएगा लिखा हुआ। हाँ ठीक है जी, ये देखें तो जो दे रहे हैं भाई क्या रहे हैं, इसी में आ रहा है जी, नहीं यहाँ पे सीक्वेंशियल हम वो कर लेते हैं ना इंपोर्ट, फिर हो जाएगा ठीक है, मॉडल्स डॉट सीक्वेंशियल, हाँ रन करें फिर इसको, वो भी इंपोर्ट करने दे सर, वो फिर हो जाएगा, नहीं ये आप डबल क्यों कर रहे हैं, तो आपने ऊपर भी तो इंपोर्ट किया मैं, क्या ये डिफरेंट चीजें हो जाएंगी वैसे, वही लाइब्रेरी हो गया एक उसका, वो हो गया आज ये सीक्वेंशियल आपने किया तो था ना, कोई सुते सुनो बुक मैं पे कौन नहीं वो सीक्वेंशियल डार सीक्वेंशियल होगा फिर इस तरह से होना चाहिए, क्योंकि वो जो ऊपर हो वो तो एक मॉड्यूल इंपोर्ट हुआ है ना, तो मॉड्यूल के अंदर वो नहीं होता ना दूसरा, ये एरर तो नहीं होना चाहिए था, तो जी आप चले, बड़ा खराब मैसेज आ गया था आज,
बिलाल भाई बंद कर लो आवाज। बिलाल आवाज बंद कर ले, कर ले उन्होंने। अगर आपने वो लाइन लिखी है ना तो आपको सिर्फ मॉडल्स डॉट नहीं लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट सीक्वेंशियल देना पड़ेगा। सीक्वेंशियल डायरेक्ट मॉडल्स डॉट हटा दे और ऊपर वाली ये जो फ्रॉम केएनएस वाली जो लाइन है ना वो भी आप वो कमेंट कर दे, ये वाली ठीक है लाइन कमेंट कर दे, ये दोनों ऊपर वाली। अपनी जो मॉडल्स डॉट हटा दें इसमें टेंसर फ्लो का ना वो लाना पड़ेगा थोड़ा सा टेंसर फ्लो, ये देखिए ना यहाँ पे सारा टेंसर फ्लो है ना टी एफ डॉट केरस टी डॉट ये वाला, तो ये वाला करना पड़ेगा ये इस तरह के। बिल्कुल वो असल में आपने डायरेक्ट लिख दिया वहाँ पे, अब आपको ये मॉडल्स डॉट और मॉडल्स डॉट लेयर ये नहीं लिखने पड़ेंगे। ये टी एफ क्यों हो रहा है ऐसा, वो इसीलिए हो रहा है कि आपने मॉडल स्टार्ट जो है ना वो ऑलरेडी इंपोर्ट कर दिए थे तो वो डायरेक्ट लिखने पड़ेंगे। डेंस यहाँ पे लेयर्स डॉट नहीं लिखना पड़ेगा, इसकी जगह खाली डेंस से शुरू करना पड़ेगा। इंटेंट भी किस चीज़, अब तो होना तो नहीं चाहिए यार, पता नहीं देखते हैं, देखूंगा फिर अब मैं इसको, लेकिन वो चल रही है ना उधर तो उसकी खैर है। केरस डॉट टेनफ्रो डॉट केरस डॉट मॉडल इम्पोर्ट सिक्वेंशियल बिल्ड मॉडल मॉडल इनपुट मॉडल लोकल वेरिएबल मॉडल रेफरेंस बिफोर असाइनमेंट, अब ये ठीक हो जाएगा। ये कौन से वाला मॉडल इज इक्वल टू मॉडल डॉट सिक्वेंशियल, नहीं मॉडल्स डॉट सिक्वेंशियल। कोई एरर, चलो देखूंगा यार इसको, ये इस समय लाइब्रेरी में लाइब्रेरी प्रॉब्लम कर गई है। खैर आपके पास शायद ये सही रन होना चाहिए, तो देखें अगर आप इसको ना करें ना तो आपको एंड पे ये सब कुछ कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ये वाला फंक्शन नहीं बनाने पड़ेंगे इधर एंड पे ना, आपके ये जो फंक्शन बनाए ना आपने यहाँ पे ये वाले ये नहीं बनाना पड़ेगा, सिर्फ आपने प्रिडिक्ट करवाना है और आपकी वैल्यूज आ जाएंगी, और आपको ये वाला फंक्शन भी बनाना पड़ेगा ये वाला, मतलब ये सिर्फ प्रिडिक्शन के लिए है। तो अगर आप डीनॉर्मलाइज ना करें और डायरेक्ट अगर लेबल्स अगर आप सिर्फ सिंपल लेबल डाल दें उसके अंदर तो आपको डीनॉर्मलाइज नहीं करना पड़ेगा, सिंपल प्रिडिक्ट करवाएंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगी, फिर उसके अंदर आप सिर्फ ये आप यहाँ पे मतलब आपको डायरेक्टली आपके वाई ट्रू और वाई प्रेड आ जाएगा, यानी कि ये आपको डीनॉर्मलाइज करने के लिए अलहदा से फंक्शन नहीं बनाना पड़ेगा, समझ गए हैं। तो आपको बगैर मतलब करना ये है आपने, आप इसको बता आप मैं आप सबको बता रहा हूँ, करना ये है कि आप खुद ट्रबल शूट कीजिएगा इसको, ये वाले जो है ना ये इनको डी इसको नॉर्मलाइज ना करें लेबल्स को, ठीक जो आपके यहाँ से लेबल आ रहे हैं ना ऊपर से जो आपने यहाँ लेबल बनाए थे ये वाले लेबल ये नहीं ये वाले ठीक है, ये जो लेबल बनाए थे इनको आपने नम फाई में तब्दील कर लेना है डॉट एन पी एन पी डॉट एन पी डॉट करके, ठीक है जैसे यहाँ पे किया है ये वाले यहाँ पे किया ना जैसे, तो आपने उनको चेंज कर लेना है उसको, ठीक। उसके बाद क्या होगा, अब ये रन नहीं हो रहा मैं वरना इसको आप अभी रन करके दिखाता, तो उसके बाद क्या होगा आपके ये आगे अब ये आपके सीधे उधर चले जाएंगे नॉर्मलाइज हुए बगैर, जब आपके ये आएंगे इधर आपके मॉडल ट्रेन हो जाएगा, फिर आप जब नीचे आएंगे प्रिडिक्शन के मौके पे प्रिडिक्शन के मौके पे सिर्फ आपने करना है प्रिडिक्ट, ठीक है जब आप ये इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी
इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप करेंगे प्रिडिक्ट करके, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट करके ना, और वो आपके पास पूरा प्रिडिक्शन आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने ये करना है कि इसके अंदर आके ये वाला तो बनाना नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे आपने सिर्फ मॉडल को कॉल करवाना है, प्रिडिक्ट मॉडल को, और वाई प्रेड और वाई ट्रू और यहाँ डाल देने हैं, ठीक है। सिंपली वो आपका बन जाएगा, आपका कब सारा काम ये ख़त्म हो जाएगा, ये वाला ख़त्म हो जाएगा। या अगर कहते हैं तो मैं इसको अपलोड करके ये रन कर लेते हैं, वहीं पर जाके करके दिखा दूँ। करें करें रन करें ताकि चेक करें कि काम होता है कि नहीं। ये इसका नाम है कार प्राइस प्रेडिक्शन फाइनल, तो हम इसको बगैर आपके ना उससे करके देते हैं आपको, ये फाइनल वाली है ना। ये फाइनल वाली यहाँ डालता हूँ इसको मैं ड्राइव पे। क्रेडिट कार्ड एआई असाइनमेंट फ्लावर डेटा सेट पांडा नंपाय डीएल कार्ड और जीप, ये कहाँ रखी थी, हमने अभी अभी तो खोली थी, यहाँ पर कहाँ खोली थी, यह है हमारी कंटेंट ड्राइव माय ड्राइव एआई असाइनमेंट, कंटेंट ड्राइव माय ड्राइव एआई असाइनमेंट किधर है, ये यहाँ पे है। तो यहाँ पे मैं कार प्राइस प्रेडिक्शन ये रही ना, ये वाली है, हाँ ये वाली, ठीक है। मतलब यह है कि आप जो आपका लीनियर रिग्रेशन का प्रॉब्लम होगा ना, लीनियर रिग्रेशन का, उसके अंदर आप लेबल्स को नॉर्मलाइज ना करें, ठीक है, आपका प्रॉब्लम सिंप्लीफाइड हो जाएगा।
क्योंकि जब हम खुद भी लर्न कर रहे थे तो हम भी ये, मुझे भी इस चीज़ की खबर नहीं थी कि ये इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही हैं। मैं परेशान हो गया, मैंने कहा यार ये बहुत ज़्यादा एरर आ रहा है, तो समझ नहीं आ रही थी कि इसको क्या करें। फिर हम इसको नॉर्मलाइज किया, मैं बड़ा खुश हो गया कि अब एरर बहुत लो आ रहा है, लेकिन दरअसल वो नॉर्मलाइज होने की वजह से एरर लो दिखा रहा था। ठीक है सर, ये कार प्रोडक्शन वाली जो असाइनमेंट थी, तो इसमें इसमें आपका एमएई जो एक मतलब कि जनरल एमएई है जो, वो आपका क्या निकल रहा था प्रोडक्शन में या वैलिडेशन में? 0.0.23 0.3 इस तरह आ रहा था, लेकिन मैं बता रहा हूँ गलत है ना, आपने उसको 10,000 से मल्टीप्लाई करना है। डीनॉर्मलाइज करें तो फिर आपका क्या आता है सर? डीनॉर्मलाइज करो तो वो मतलब एमएई आप 1,000 से मल्टीप्लाई कर दो ना उसको, 10,000 से मतलब 3,000 कुछ आता है, 2,000-3,000। सर आपने के के वाला मेथड भी लगाया, के फोल्ड वाला? किस पे? नहीं किस गाड़ी गाड़ी पे, हाँ गाड़ी पे लगाया है, गाड़ी पे लगाया है। सर तब भी आपका वो 3,000 तक आ रहा है? 3,000 मतलब 1,800-3,000 इस तरह, 2,000 इस तरह मुख्तलिफ आ रहे हैं मुख्तलिफ मॉडल्स पे। अच्छा मैं आपको जो कह रहा था ये देखिए, मैं ये कह रहा था कि आप ना इसको ऐसे करें कि ये जो हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं ना लेबल्स को लीनियरेशन में ना करें। ठीक है, तो पहले हमें भी समझ नहीं थी, तो मैंने इसको लेबल को नॉर्मलाइज करके किया था, तो मैं इसको ज़्यादा नॉर्मलाइज ना करूँ। ये हो गया, ये मैंने कमेंट कर दिया। ठीक, और हमारे पास जो लेबल आ रहे हैं वो यहाँ से आ रहे हैं, ऊपर से आ रहे हैं लेबल्स। ये इसका नाम क्या है, ट्रेन अंडरस्कोर लेबल टेस्ट अंडरस्कोर लेबल। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको डॉट numpy डॉट कर दूंगा नीचे कर रहा हूँ ना इसको, यानी कि ये मैं लेबल इसको यूज करके ना ट्रेन अंडरस्कोर लेबल टेस्ट अंडरस्कोर लेबल नीचे जाके कर देता हूँ, जहाँ कर रहा हूँ ना नीचे ये वाला। ठीक है, तो ये बल्कि हुआ हुआ है, ठीक है ये खुद ही हुआ हुआ है। तो अब मैं सिर्फ रन करता हूँ, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे जो है ना आपकी एम ए बड़ी बड़ी आएंगी वैल्यूज़। तो वो क्या होगा, आपने 10 यहाँ पे भी अगर आप 10,000 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी बड़ी हो जाएगी ना 10,000। तो यहाँ पे अगर आएँ आप क्या करेंगे कि ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ये वाला मॉडल ये ख़त्म, और इसके बाद आपका ये भी ख़त्म। ठीक है, आप यहाँ आएंगे, आपने क्या करना है कि ये मतलब इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी एज सच, लेकिन आप मॉडल का नाम तो डालना है ना, तो मॉडल का नाम आप मॉडल का नाम और हाँ बस मॉडल का नाम डालना पड़ेगा आपको, ये भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है सर, इसमें आपने शफलिंग की है जी इस मॉडल में, इस असाइनमेंट में आपने शफलिंग तो कोई नहीं की? शफलिंग की है एनपी डॉट रैंडम से की है शफलिंग। अच्छा यहाँ लेबल देना पड़ेगा हमें इसका, तो वो k वैलिडेशन के साथ किए शफलिंग जी। अच्छा आप देखिए, अब जो है ना सिर्फ ये दो फंक्शन चलेंगे, ये वाला और ये वाला। ठीक है, और उसके लिए सिर्फ हमें ये करना होगा कि यहाँ पे हमें y true तो आपके आ जाएंगे किसके बराबर, y true आएंगे आपके इज इक्वल टू आपका होगा जो आपके ट्रेनिंग लेबल्स हैं, टेस्ट अंडरस्कोर एल। ठीक है, क्योंकि ऊपर से आपका जो आ रहा है ट्रेनिंग लेबल जो आ रहे हैं वो यहाँ से आ रहे हैं,
ये वाला टेस्ट अंडरस्कोर एल। तो पहले हम यहाँ तक इसको रन करा लेते हैं, इस जगह तक, और देखते हैं कि क्या आ रहा है। रन बिफोर, यहाँ क्या है? अच्छा, ये हमने ख़त्म कर दिया ना, तो ये तो है ही नहीं। इसको क्या है, ये भी नहीं है, खत्म हो गया ना। यार ये भी नहीं है। तो ये यहाँ तक आपका रन हो गया। अब इसको आप इसकी ना शेप देखते हैं, ट्रेन अंडरस्कोर एल, टेस्ट अंडरस्कोर एल, टेस्ट लेबल की शेप, डॉट शेप। उसको क्यों ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो यहाँ पे आपको शेप पता चलेगी इसकी। ये गूगल ने हमारे साथ धोखा किया हुआ है, बहुत स्लो चलाता है। क्या बात है, कभी कभी करता है ऐसे ही। रिस्टार्ट कर दो। रन ऑल कर देते हैं, देखी जाएगी। अब ये रन होना शुरू हो गया। ये अब रन होगा, तो यहाँ जब आएगा तो आपको दिखाऊंगा कि हम प्रेडिक्शन अब कराएंगे यहाँ पे। तो प्रेडिक्शन के लिए आपको ये सब करने की जरूरत नहीं होगी अब, ये वाला काम। सर अगर हम बार बार प्रेडिक्ट करवाएं तो प्रॉब्लम होती है? नहीं नहीं प्रेडिक्शन तो बहुत तेज होती है। प्रेडिक्शन तो आपका एक मतलब, क्योंकि वो मैथमेटिकल मॉडल बन चुका होता है, प्रेडिक्शन तो फास्ट बार बार कराए ना, तो वो तो ठीक है आपके पास, लेकिन बार बार कराता हूँ ना तो मेरे सिस्टम में वो बीच में बोल पड़ता है, कहता है ये बार बार ना करो, इसे मैसेज आ जाए। अच्छा, वो क्या हो जाए पता नहीं, मैं आपको भेजूंगा मैसेज। सही, ये वैलिडेशन हो रही है, वैलिडेशन और ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग और वैलिडेशन, इसके स्कोर यहाँ पे, इसके स्कोर अपेंड हो रहे हैं, मतलब आपके वैलिडेशन के स्कोर ना यहाँ से यहाँ आते हैं स्कोर, उसके मीन स्क्वायर एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, वो फिर यहाँ पे आपके लिस्ट में अपेंड हो जाते हैं। फिर हम एंड पे जो ये जब मॉडल रन हो जाएंगे फिर हम इसके स्कोर प्रिंट कराते हैं यहाँ पे। ये
यानी कि मेरा मकसद कहने का है कि आपकी जो प्राइसेस है ना, हाउस की प्राइसेस हैं या गाड़ी की प्राइसेस हैं, ठीक है, आप उनको जैसी वो प्राइसेस आ रही हैं ना, आप उनको वैसे ही जो है ना आप उसमें मॉडल में डाल लें, ठीक है, प्राइसेस आपकी $1,000 में आ रही हैं या जो भी, तो उनको आप उसको मॉडल में डाल दें उसी तरीके से। तो आपने, आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे अपना मॉडल डिफरेंट बनाने के लिए यहाँ पे चीज़ें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, ताकि भाई हमारा मॉडल थोड़ा डिफरेंट हो या थोड़ा सा ये जो आपके MAE ये कम आए। मिसाल के तौर पे इस वक्त आपके 5,000, 6,000, 7,000 या 4,000 आ रहा है ये MAE, तो इसको कम करने के लिए आप डिफरेंट टेक्निक्स जो है ना यहाँ जाके यहाँ ड्रॉप आउट लगाएँ या रेगुलराइज़र लगाएँ, तो उनको कम करने की कोशिश करें। यहाँ पे आप यूनिट्स चेंज करके देखें, मतलब डिफरेंट किस्म के आप जो है ना उस पर एक्सपेरिमेंट्स करके उसको कम लाने की कोशिश करें। सिंपल बेटर ये है कि बेशक आप ना सबको कमेंट कर दें, एक मॉडल को पहले आप उसकी परफॉर्मेंस को अच्छा करें, ठीक है, पहले अगर एक मॉडल आपने अच्छा कर लिया तो बाकी फिर आप मतलब एक मॉडल ही मतलब उसकी परफॉर्मेंस को बेटर कर लें। मतलब ये नहीं है कि आप ये सारे रन कर रहे हैं बैठे ना, ये अब चार चार पांच मॉडल वो तो वैसे ही लगाए हैं ताकि सारी टेक्निक्स देख लें, ठीक है, जरूरी नहीं कि आप ये चार चार पांच पांच मॉडल इकट्ठे चलाएं। वो आप सर आप इनपुट शेप का बताने लगे थे उस टाइम, इनपुट शेप कुछ कह रहे थे उस टाइम के बाद। हाँ, इनपुट शेप ये है, इनपुट शेप का यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है एक चीज मैंने ना उसी के लिए, ये देखें, अब आपके पास ये एक चीज़ है 141 और 192 एक टुपल टपल है। टपल आपका जवाब आता है कि जब आप शेप करते हैं ऐसे तो आपके पास टपल आता है ना, ठीक है, तो इस तरह की आपका जो एक दफ़ा ये रन हो जाए ना, ये अभी मॉडल चल रहा है ना, हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो मैंने यहाँ पे वन लिखा है, ये वन क्या है, ये ट्रेन शेप डॉट वन, ये क्या है, यही है आप कह रहे हैं? जी जी, इनपुट शेप आप कह रहे हैं, हमारे पास जो नौ है 13 है या जितने हैं, इस इट डज नॉट मैटर, जितने हैं आप इनको हार्ड कोड मत करें ना, आपके जो ट्रेनिंग डाटा है, ठीक है, ट्रेनिंग डाटा की अगर आप यहाँ पे देखें ट्रेन डॉट शेप करें, ये है ना आपका ट्रेन, ठीक है, यहाँ पे आप ट्रेन डॉट शेप करें, हार्ड कोड मार्क करें आप अपने कोड को ना, आपको इस चीज चेंज, अब ये कितने हैं देखें, 141, 92, ये मतलब कि 141 रोज हैं और 192 कॉलम्स हैं, ठीक। अब मैं अगर इसकी ये लिख दूं डॉट वन, अब मुझे क्या देगा, तो ये मैं अगर वहां लिख दूं तो मुझे ये डायनामिकली मिल जाएगी ना, मुझे हार्ड कोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सही। तो यहाँ मैं ये इसलिए यहाँ पे हर जगह यही लगा देता हूँ, हार्ड कोड नहीं करते ना। ठीक, समझ आ गया आपको? जी जी, समझ। अच्छा, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको कह रहा था कि ये फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो कि आपको कंफ्यूज कर रहा है, तो मैं अब यहाँ पे करता हूँ मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, ठीक है, वाई प्रेड इज इक्वल टू, अब मेरे पास मॉडल के नाम कौन से हैं वो देखना पड़ेगा, मैंने मॉडल कहाँ, मॉडल का नाम मैंने एक रखा हुआ है टेन एच, यानी कि टेन हाइपरबॉलिक वाला है, और एक है मॉडल रेलू वाला है, इस तरह से मॉडल रेगुलर है, ठीक है, ये वाले सारे हैं, तो इसको मैं कॉल करा लेता हूँ, ठीक है, मॉडल रेगुलर डॉट प्रिडिक्ट। अब मैं लिखूँगा मॉडल, यहाँ पे आ गया मॉडल रेगुलर डॉट प्रिडिक्ट एक्स नहीं
टेस्ट वाला आ गया जो हमारा टेस्ट सेट है, तो इसको मैंने जब कराया हो गया सिंपली। अब आपको इनके वो डी नॉर्मलाइज नहीं करना पड़ा, तो इसको मैं यहाँ पे स्लो चल रहा है आज काफी ज्यादा ना, ये क्या कर रहा है, मैंने डिलीट कर दिया, अंडू भी नहीं हो सकता। y underscore spread value मॉडल रेलू कर लेता हूँ ये मैं, ठीक है। मॉडल रेलू हमारे पास, मॉडल रेलू बनाया हुआ है टेस्ट, ठीक। ये प्रेडिक्शन आ गई, अब मैं देखता हूँ कि आया क्या है इसमें। मैं इसके जो है ना पहले 30 देख लेता हूँ, 0 to 30 ये वैल्यूज आई हैं। अब मैं इसको कंपेयर कराता हूँ, ज्यादा हो गई हैं, इसको पहले 10 देख लेते हैं, ठीक है ये 10। अब मैं अपना देखता हूँ कि मेरे पास जो असल वैल्यूज हैं वो क्या हैं। हमारे पास वो हैं टेस्ट अंडरस्कोर एल, टेस्ट अंडरस्कोर लेबल, और उसकी पहली 10 वैल्यूज। ठीक है, 13,934, 13,495, ठीक, 17,500, 16,430, 21,873, 24,565। अब ये चीज़ असल में जो एम ए ई जो शो कर रहा था ना, वो यही शो कर रहा था कि आपका फ़र्क आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट मिसाल के तौर पे आपका यहाँ पे आप देखें तो ये 2000 या 3000 या मतलब ऑन एवरेज अगर आप जी अच्छा, तो ये आपका फर्क आ रहा था, मतलब आप ये देख लें आप इसमें, ठीक है। तो इसको आप रीशेप भी कर सकते हैं, असल में इसकी शेप जो है 10-1 है, तो आप मैं इसको रीशेप कर लूं ताकि उसकी शेप में वैसे ही आ जाए, जैसे आपके पास 10 इस तरह कर लें डॉट रीशेप 10 होता है। कोई बताएगा यहाँ कोई हिंट, 1:10 होगा शायद, सर आप क्या कर रहे हैं इसको? वो तो कह रहा है कि ये ऑप्शन है ही नहीं डॉट रीशेप का, एनपी डॉट रीशेप आएगा ना, नहीं सर आप इसको क्या कर रहे हैं? रीशेप कर रहा हूँ, आप एक लिस्ट पर लाना चाहते हैं इसको? जी तो वो लिस्ट लगा लें ना, लिस्ट लगा लें आप, लिस्ट लगा लें, लेकिन इसको इसको भी तो करके देखें ना, ये एनपी डॉट रीशेप होता है? नहीं नहीं इसी तो नहीं होगा, इसके आगे टेन अच्छा अच्छा जब मुझे याद आ गया, मैंने भी किया इसको, आप इसको फ्लैटन कर लें यारा, ये आप इसको रीशेप का बताएं ना, किसी को पता है तो रीशेप का numpy डॉट रीशेप। सर ये numpy का ऑब्जेक्ट ही नहीं है ना, ये टेंसर आपको बताता हूँ रीशेप क्यों करना चाह रहा हूँ। नहीं इसको प्रिंट करें पहले, ये क्या है? प्रिंट सर किया था ना अभी, अरे है ना सर, सर इसको मैंने अभी इसके साथ डील किया है, इसको आप अगर डॉट फ्लैटन लगा दें वो सारा सेट हो जाएगा जो आप करना चाह रहे हैं। डॉट
जी नहीं या इसका आप... डाट डाल के टैब दबाएं फिर देखें इस पे क्या क्या ऑप्शन आते हैं। सर मुझे पता चल गया मसला क्या था, इसके दो ब्रेसेस लगानी थी, यहाँ पे लगनी थी दो ब्रेसेस, क्या लगनी है ऐसे नहीं देखो वो कह रहे थे उसमें वो ऑप्शन नहीं है। अच्छा हाँ ये भी है, आपकी विंडो अपडेट नहीं हो रही, ये क्या हो रहा है, दो स्टक हो गई, ये क्या हो रहा है यार, इसको इतनी दफा करते हैं, आपकी स्क्रीन स्टक हो गई सर, स्क्रीन स्टक हो गई, हमें अपडेट नहीं आ रही, अब वो है, अच्छा जी वो होना है np डॉट रीशेप होगा, np.reshape वन उसके अंदर ये, उसके अंदर ये लिखना है आपने, ये वाला छोटी छोटी चीजें होती हैं बंदा भूल जाता है, कोई बात नहीं बंदा बूढ़ा हो गया ना फिर भूल जाता है, ऐसे ही है सर। कोई छुपाने वाली बात तो नहीं है, नहीं नहीं माशाल्लाह बुजुर्गी वाली बात है ये तो, अरे यार अच्छा जी जी कांगो में उधर तवीद, कांगो में उधर पीरी मकरीदी का बिजनेस शुरू करते हैं इधर, ना आपने कालों ने ना आपकी आंते में निकाल लेने पीरी मकरीदी नहीं नहीं ये लोग तो वो ज्यादा है अपना क्या नाम लेते हैं तो वहम प्रस्त, अच्छा हाँ वो तो सऊदी अरब वाले गुस्सा करते हैं इस तरह के कामों पे, ये लोग तो बहुत पसंद करते हैं, अरे यार वाई अंडरस्कोर प्रेड पी के बाद आर नहीं डाला जी ये cannot array cannot reshape array of 64 into 1 in क्या सर ये शेप के आगे ये जीरो के अंदर डालें फिर शायद होगा, शेप के अंदर जीरो डालें, मैं चाह रहा हूं कि एक रो और बाकी सारे कॉलम आ जाएं, पहले हमारे पास थे सिर्फ एक कॉलम और बहुत सारी रोज, समझे नहीं तो, अच्छा लिस्ट में करके देखते हैं, लिस्ट में करता है नहीं, लिस्ट में क्या हो गया यार इतना, लिस्ट y अंडरस्कोर नहीं करता सर, इसको np डॉट फ्लैटन करके देखा, उसके अंदर फिर वो y अंडरस्कोर प्रीफिक्स दे दे, ये हो सकता है शायद, ये होगा, अरे सर फ्लैटन की स्पेलिंग गलत है, फ्लैटन की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे ना शेप का प्रॉब्लम आ रहा है, मैं इसको करना चाह रहा हूँ, इसकी शेप थी 64 into 1, मैं इसको 1 into 64 करना चाह रहा हूँ, ऐसे करते हैं सर, आपने फ्लैटन के स्पेलिंग ठीक लिखे थे, FLATTEN है, मैंने सही लिखे थे ना, ये हो गया यार, क्या यार ओहो यहाँ पे देखिए ये हो गया ठीक है,
अब हो गया, तो अब आप इसके मतलब उसके ऑलमोस्ट उसके बल्कि ये अभी भी जो है ना अब तो ये ठीक होगा। हाँ तो अगर आप इसको देखें तो फिर ये अब उसके इक्विवेलेंट मतलब हो गया, लेकिन अभी जो इसकी टू डायमेंशन आ रही है ना ये इसको वन डायमेंशन क्यों नहीं करता तो सर आप सर अब इसको फ्लैटन करें अब हो जाएगा अब वन डायमेंशन में आ जाएगा एक किलो में आ जाएगा। अब हो गया अब ये टू डायमेंशन अब ये वन डायमेंशन है, ये सिर्फ 64 लिखा है ना, मतलब पहले भी मैं लिख रहा था लेकिन ये क्यों नहीं कर रहा था वो, यानी कि इसकी शेप वन को मैं ले रहा था ना, शेप वन ही मैं ले रहा था पहले भी, पता नहीं अब क्यों हो रहा है ये यहाँ देखे ना, मैं इसकी शेप डॉट शेप और इसको मैं अगर वन करूँ तो ये अब देगा ये। आप उसे किसी और से वैल्यू लेके आ रहे थे तो वो वैल्यू ये नहीं आ रही होगी ना, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। अच्छा वो तो चेंज हो चुका है ना, नहीं नहीं वो चेंज हो चुका है पहले, अब हाँ नहीं चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पे इसका जो रिजल्ट आ रहा था वो 64 के इक्वल या उससे मिलती सिंगल वैल्यू नहीं थी ना, इसका रिजल्ट रिटर्न में कुछ और था सर। ये 64 इसकी शेप जो है ना 64.1 है, और वो जो आप 1 दे रहे हैं उसको मतलब कि 1 वाला उठा, आप 0 वाला उठाएंगे तो फिर 64 आएगा और फिर उसका आंसर सही आएगा, शेप के आगे ना 0 लिखे हैं। एक मिनट आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए मैं कर क्या रहा हूँ, ये देखिए ये अब क्या देगा आपके ख्याल में, इसका क्या देगा ये मेरे ख्याल में 1 देगा, 1 देगा 64 देगा, मैं उसको गलत कर रहा हूँ यार, 0 नहीं, यही कह रहा था कि आप 0 देंगे उसके अंदर तो फिर आएगा वो, ये गलती होती, 0 देना था ना वो, ये देना था, अब हो गया, अब हो गया, अब ये आपकी सेम शेप्स आ गई ना उसकी, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये आपका, अच्छा ये डेसिमल में ला रहा है तो ये उसने उसको सिर्फ राउंड कर दिया, तो आप इसको भी राउंड कर सकते हैं दरअसल एनपी डाउट राउंड करके, तो ये आपके पास आ रही है वैल्यूज ना, तो अब इसमें आपने ड्रॉ कराना है एक ग्राफ इन वैल्यूज के दरमियान में ना, इन वैल्यूज के दरमियान में। अब आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि यहाँ पे जो भी आप मॉडल का नाम भेजेंगे ना इधर से, यहाँ से जो मॉडल का नाम जाएगा, तो आप ये करेंगे कि यहाँ पे लेबल और मॉडल और यहाँ पे आपका ये चीज़ जो है ना, यही वाली चीज़ जो आपने यहाँ की है, यही वाली चीज़ ये आपने वहीं करनी है, ठीक है। पहले आपने करना है प्रिडिक्ट, मिसाल के तौर पे ये आपका प्रिडिक्शन है ना, तो ये यहाँ लगाएंगे, इधर ठीक y प्रेड, इसको आपने रखना है कि y प्रेड y अंडरस्कोर प्रेड, ये हटा दें, क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि आपने ये इधर प्रेड लिखा हुआ है, आप प्लॉट कराए ना यहाँ प्लेट लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपने जो है मॉड लिखना है, मॉड ठीक है, ये जो मॉड आ रहा है ना यहाँ से मॉडल का नाम मॉड यहाँ पे, और यहाँ पे आपने लिखना है इसका जो है, बस आपने मॉडल को कॉल करवाना है, क्योंकि आप मॉडल ये मॉड और यहाँ पे आपने जो है एक और वेरिएबल देना होगा, नहीं टेस्ट, ठीक है टेस्ट डेटा है ना आपका, टेस्ट डेटा जो गुजर रहा है, तो अब क्या होगा कि जो भी मॉड आएगा यानी कि मॉडल रेलू आएगा तो यहाँ मॉडल रेलू आ जाएगा, यहाँ 10H आएगा तो यहाँ 10H आ जाएगा, ठीक है हर एक की प्रेडिक्शन अलग से आती जाएगी, यहाँ रेगुलर है तो यहाँ फिर रेगुलर आ जाएगा और टेस्ट डेटा के ऊपर वो प्रेडिक्शन हो जाएगी। उसके बाद आपने इसको वही तरीका कराना है जो आपने ये कराया है ये वाला, ताकि आपकी ना एक अरे आ जाए सिंपल फ्लैटन अरे आ जाए, ताकि आपके ये दोनों फ्लैटन हो, क्योंकि आपके एक्स वाई डाटा पॉइंट्स जो है अगर फ्लैटन होंगे ना सिर्फ, तो तभी आपका यानी कि आपकी वो आपका ये ग्राफ जो है ना बन पाएगा। तो आपने सिंपली
ये जो आपने किया ना काम यहाँ पे, ये भी आपने इधर लेके आके, बल्कि ये वाली साइड, चलो ये इकट्ठी ले लेते हैं और यहाँ पे लाके यहाँ डाल देंगे इसको इधर, ठीक। और ये आप हटा देंगे ताकि तो बन जाए, तो ये आपका ये भी हटा देंगे क्योंकि ये आपका ऊपर से ये वाला आएगा ना, ये वाई प्रेड, ये जहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब आपका ये हो गया, अब आप इसको रन कर दें, इसको रन कर दें और इसको रन करेंगे तो आपके प्लॉट बन जाने चाहिए, ये बन गए। अरे ये क्या हो गया इसको, ये क्यों नाराज हो गया दूसरे वाला, इसमें कौन सा है, 10H वाले को प्रॉब्लम आया है। बेसिकली शायद दोबारा से रन करेंगे तो ठीक हो जाएगा, रन ऑल अगेन। तो आप देखिए थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए तो ये जो है अब सही हो जाएगा। इसमें आप किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन, हमने क्या किया है, क्या चीज़ें डिलीट की हैं, क्या चीज़ें ऑप्टिमाइज की हैं, समझ आ गई सबको या नहीं? क्या समझ नहीं आई, 20% कौन सी रह गई? सर वो जो अभी आप कह रहे थे, के प्लॉट्स जो बना रहे, प्लॉट्स देखें, प्लॉट्स का तो मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है, लेकिन जो आपके अंदर से डाटा जा रहा है वो बता सकता हूँ। प्लॉट का जो है ये चीजें, ये मुझे मतलब इतना ज़्यादा पता नहीं, मैंने खुद कॉपी किया है, जो चीज़ पता है वो आपके सामने है और अभी आपके सामने ही बनाई है। तो उसमें ये था उसका रीशेप का लॉजिक ये है, अभी रन होने दें बताता हूँ आपको। रीशेप का लॉजिक है कि आप चाह रहे हैं कि अपने जो आपका आ रहा है ना डायमेंशन आ रही है ना, 2D मतलब अरे आ रही है, तो उसको आपने 1D करना है। 1D करेंगे तो आपके डाटा पॉइंट्स निकाल के आप उसको ग्राफ पे लेके आएंगे ना, ठीक है। जब आपका एक अरे होगी, वो अरे 2D होगी तो वो पैक्ड है ना, वो तो अरे 2D अरे है, उसको आप ड्रॉ नहीं करा सकते ना 2D को, 2D मैट्रिक्स को, तो आपके वो उसको 1D में लेके आएंगे, 1D लेके फिर उसको आप ड्रॉ कराएंगे, इसलिए उसको आपने एक सिंपल 1D वेक्टर में चेंज किया। समझ आ गई कि नहीं? जी सर, वो जो आपने के वैलिडेशन किया था उसमें डिफरेंट मॉडल्स आ रहे थे, तो बेस्ट मॉडल अगर चूज करना हो तो वो किस बेस पे करेंगे? वो उस बेस पे करेंगे कि जिसका एवरेज स्कोर जो है ना, अगर एवरेज ले लें आप, एवरेज स्कोर जो है ना वो लो आ रहा हो, जैसे अभी ये ईपॉक चल रहे हैं तो अभी आपको यहाँ स्कोर प्रिंट कराएंगे, इधर जो स्कोर जिसके लो होंगे ना वो आपका बेस्ट होगा। अच्छा सर, हमें कैसे पता चलता है कि ये मॉडल ओवर फिट हो रहा है या अंडर फिट हो रहा है? लाजमी बात है, अगर यहाँ आपके MAE जो है, ये वाला MAE, अगर आपका ये इसका सर, ये वैलिडेशन का इसने नहीं दिखाया ना, वैलिडेशन का हमने प्रिंट नहीं कराया, एक मिनट, स्कोर का ऐसे पता चलेगा कि आप जैसे अभी तो फिलहाल मैंने वैलिडेशन वाले प्रिंट नहीं कराए, यहाँ पे अगर आप वैलिडेशन के यहाँ अंदर दे देना इधर, जी जी इधर डेटा, तो यहाँ आपके वैलिडेशन का स्कोर प्रिंट होगा साथ, तो आप जब देखें कि वैलिडेशन का स्कोर जो है वो कम नहीं हो रहा लेकिन ट्रेनिंग का कम हो रहा है, तो उस सूरत में आपका मॉडल मतलब ओवरफिट हो जाएगा। कम हो रहा है ओवर,
सबको समझाने दें, आपको तो समझ आ जाती है ना, अब बाकी सबको समझाने दें। जब अगर मिसाल है मैं यहाँ से ये हटा दूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं वैलिडेशन का डाटा डाल दूँ, वैलिडेशन डाटा, वैलिडेशन टारगेट्स, ठीक, यहाँ पे इसके अंदर, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे ये साथ में इधर वैलिडेशन का स्कोर भी प्रिंट करेगा, ठीक है, लॉस एम ए वेल, वेल एम ए वेल लॉस, ये यहाँ पे ये दो चीज़ें, चार चीज़ें आ रही होंगी। अभी तो क्या हो रहा है ना कि अभी मैं सिर्फ उनको यहाँ पे एवेल्यूएट करा रहा हूँ। अगर मैं फिट के अंदर डालूंगा ना यहाँ वैलिडेशन इधर, तो वो यहाँ पे प्रिंट कराएगा साथ में, तो फिर आप देखेंगे, फिर आप उसको ड्रॉ भी कर सकते हैं, मतलब फिर आप जो मर्जी करना चाहें उसके साथ उसको आप। सर ये क्लास रखें ओवरफिट एंड अंडरफिट की, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, एक क्लास आप नहीं रखें? जी जी हाँ जी, उसको भी, वो भी करेंगे जिसमें आप ये ओवरफिट एंड अंडरफिट का कॉन्सेप्ट बता दें। सर फोर चैप्टर आपका खत्म हो गया? फोर चैप्टर खत्म हो गया। यार ये इसको क्या हो गया, मुझे तो इसको देख के हंसी आ रही है यार। ये मॉडल हाइपरबॉलिक वाले को क्या हुआ, कोई मसला है जो मैं इसके अंदर हाइपरबॉलिक वाले में कोई प्रॉब्लम है? सर कल बाकी असाइनमेंट डिस्कस होंगी या? हाँ असाइनमेंट्स, एक मिनट, हाइपरबॉलिक वाले मॉडल को क्या हुआ है, और कोई बुक से या चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करनी है? अच्छा सर वो जो आपकी फ्लावर वाली असाइनमेंट जो आपकी फाइनलाइज होगी, अगर वो आप सेंड कर देंगे? जी जी सर। सर सजान की है जिस पे 82% आई है एक्यूरेसी, वो कौन सी है जो आपने सेंड की थी सुबह वाली में, वो वाली है? सजाद साहब की जो आई है, सजाद साहब ने जो की है वो जो बुक का ऑथर है ना उसकी की है, शोले वाली। ठीक, क्योंकि ये वाली जो आपने सेंड की थी ना उस पे मैंने 60 अपॉक्स के साथ रन किया, तो उसकी फिर भी 30% ही है। वो इससे नहीं आ रही, वो तो ऐसे ही आ रही है, वो कौन, वो तो आप, अब उन्होंने कह दिया ना, कंडीशन ही हटा दी है कि आप, आपकी सिर्फ एक असाइनमेंट में अगर अच्छी आ रही है तो बाकी असाइनमेंट्स आपकी पास है, यानी कि आप सिर्फ अटेम्प्ट करें उनको। ठीक है सर। ये अजीब सा कहानी बन गई है ये वाटर, ये वाला। जी जी सर, फिर मैं 99.79 वाली सेंड करूं फिर उनको? मेरा ख्याल है तभी उनको स्कोर आएगा। टेन हाइपरबॉलिक, हाइपरबॉलिक कहाँ है? मॉडल एक्टिवेशन रेलू हाइपरबॉलिक, बिल्ड मॉडल, बिल्ड मॉडल किधर है? बिल्ड मॉडल ये है तो ठीक, ये क्यों कर रहा है समझ नहीं आई। मॉडल 10 हाइपरबॉलिक है ना ये, तो ये नीचे अगर जाएं तो हमने यहाँ पे जो अरे दी है उसमें 10 हाइपरबॉलिक डाला है, मॉडल 10H ये वाला,
पता नहीं वो क्यों ये मिसबिहेव कर रहा है अभी ये। इसकी वैल्यूज इसको वैसे करा के देखते हैं पहले सिंपली ना यहाँ पे अलहदा से। ओए ये क्या है, ये गलत दिया इसने। सर जिस तरह पहले हुई थी वैसे नहीं कर सकते? कर लें वो भी ठीक है, वो थोड़ा सा समझ नहीं आ रही थी ना यहाँ लोगों को तो फिर मैंने चेंज कर दिया। ये क्यों दे रहा है ऐसे, अजीब काम हो रहा है। यहाँ पे तो सही दे रहा है, इधर मीन एब्सोल्यूट एरर नहीं, ये बहुत ज्यादा दे रहा है, ये बहुत ज्यादा दे रहा है। बाकी का देखे ना ये 2000 1000 है। और सर वार्निंग्स भी आ रही है, इंपोर्ट वार्निंग्स भी कह रहे हैं। ये इसका जो है ना बहुत ज्यादा आ रहा है, 12000 पे चला गया ये एरर। सर इस पे हम इंपोर्ट वार्निंग्स नहीं कर सकते? सर ये 10 वाला है ना, तो 10 वाला जाता है मेरा 11000 और 300 400 पे गया होगा। ना सर जी, मैंने जब वो नॉर्मलाइज करके किया तो 10 हाइपरबोलिक की भी सही आ रही थी। दैट मींस कि हमारा वाला तरीका ठीक था। 10 वाला जो है ना मेरा भी 11-12000 पे गया, बाकी जो रेलू चेलू है उनको उनका मैंने चेक किया वो ठीक आ रहा था। एक मिनट में मॉडल पे एक दफा दोबारा बिल्ड करा के ना दोबारा से कंपाइल करा के एक दफा फिर से। सर ये वार्निंग्स को खत्म करने के लिए इंपोर्ट वार्निंग्स अगर हम करनी है, आपने पहले करके देखी है? सर एक असाइनमेंट देखी थी नेट पे। आपने खुद भी ट्राई की है? जी। फिर क्या बना उसका? खत्म हो जाती है सर वार्निंग्स। जबरदस्त, वो दे नहीं था शुरू, हमें वो शेयर करें। सर आप भी कर लें यहाँ पर, आई थिंक यार। वैसे मैं आपको बात बताऊं अपना बिलाल भाई, आपने पहले जी भी जी देखी थी वैल्यूज उसकी 10 हाइपरबॉलिक वाले की? हाँ जी, हमारी जो पहली असाइनमेंट थी उसके अंदर आपने देखी थी ना वैल्यूज कैसी आ रही थी? उसके अंदर तो ठीक आ रही थी, लेकिन अभी मैंने खुद अपनी भी चलाई है ना, तो मेरा भी तकरीबन अभी मैं यही चला रहा था साथ साथ। तो ये देखें यहाँ पे, ये देखें ये 10 हाइपरबॉलिक की मैं आपको दिखाता हूँ, दैट मीन्स हमारा टेक्निक अच्छी है। ये देखें कितनी आ रही है, 2437। अच्छा, मतलब आपकी मतलब 10000 से इसको मल्टीप्लाई कर देना 2437। सर ये 10000 से मल्टीप्लाई नहीं होता सर, ऐसे ही होता है सर, 10000 से नहीं होता। आप इसको आप इसका ना लेबल्स का या लेबल्स का ना आप मीन निकाल के चेक कर लें, तो ये मीन और स्टेडी वो आप उसको डीनॉर्मलाइज करें ना, किसी उसको डीनॉर्मलाइज करें तो मतलब इसी तरह की वैल्यू आएगी ना, मतलब जो इसकी आ रही है उसी तरीके से आएगी ना, मतलब ये सेम रेंज में है ना भाई, मतलब आप ये भी तो देखें।
ऑलमोस्ट सेम रेंजेस में है ना, तो उसके लिए ये बात ठीक है, ये बात ठीक है, मतलब कि सेम रेंज में है। अगर प्रेडिक्शन भी कराई थी ना, प्रेडिक्शन देखें, प्रेडिक्शन में तो सही आ रही थी ना, प्रेडिक्शन भी सही आ रही थी। जैसे अब ये इसकी आ रही है, ये देखें टैन हाइपरबोलिक से आ रही है ना, इसकी आ रही थी एक्चुअल प्राइस वाज 24 और द प्रेडिक्टेड प्राइस वाज 19,000, तो मतलब 4-5,000 का फर्क। ठीक है, मतलब वो तरीका हमारा वो ठीक है वैसे, मतलब इतना बैड नॉट बैड, मतलब ये मैंने पहली दफ़ा किया है, लेकिन उसके अंदर तो बड़ी वर्स्ट आ रही है, मतलब प्रॉब्लम है, वाकई प्रॉब्लम है, तो आप वो बेटर है कि वही यूज़ कर लें। लेकिन इसके अंदर आपके पास जो आपके पास ये टैन हाइपरबॉलिक की बहुत बड़ी, मतलब बड़ी डिग्रेडेड परफॉर्मेंस आ रही है, तो बेटर यही है कि आप ना वही नॉर्मलाइज वाला तरीका यूज़ कर लें। क्या कहते हैं बिलाल भाई? सर इसी को अपलोड कर देते हैं, बाकी ये वाले तरीके पे प्रैक्टिस करते रहेंगे। सही है सर, नॉर्मलाइज वाला ठीक है, नॉर्मलाइज ठीक है यार, वो किसी भी इस पे जो अगर गंदी आ रही परफॉर्मेंस तो हम क्यों करें, ये शक है ना इसके अंदर। सर वार्निंग भी खत्म करनी, आपने रिकॉर्ड तो दिया नहीं है वार्निंग। Why I'm facing this warning? क्या लिखा है? TensorFlow 6 out of 11 calls. ये warning है इसको। सर ये मेरा है, ये वही है, सिर्फ import warnings करेंगे ना, वो खुद ही warning खत्म कर देगा, मेरा जो ख्याल है, वो जैसे वो बता रही है सिस्टम। अच्छा, हाँ वार्निंग तो आ रही है ना, मेरे भी आ रही है भैया, मैं वार्निंग को आप सप्रेस कर सकते हैं, मतलब उसका तरीका होगा। सर वो सजाद भाई वाली फाइल शेयर कर दीजिएगा, उसके एक्यूरेसी 80s में आ रही है, फ्लावर रिकग्निशन। अच्छा ये आप लगा दें, वार्निंग शायद खत्म हो जाएंगी। क्या ये था? ये वाला था। अब शायद वार्निंग नहीं आएंगी, अब रन करके देख लेते हैं। यहाँ थी अब नहीं आ रही। बस मैम इतना सा काम था आपने जो है। अब तो नहीं आ रही ना, वो सर हो गया ना, ऊपर मैंने एक लगा दी है कमांड सी छोटी सी, ये वाली कमांड है, आप ये यूज कर सकते हैं, ये मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दी। दोबारा से एक दफा सारा रन करके देख सकते हैं। बस मकसद ये है कि मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा
के वो वाली यूज करें बस, वो नॉर्मलाइजेशन वाली टेक्निक। और सर उसमें हम ये वाला कोड यूज कर लें वार्निंग का? हाँ जी, कोड ये वाला यूज कर लें। तो वो प्रैक्टिस करते हुए काफी प्रॉब्लम्स आ रहे थे और एरर भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। पहली दफा प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह ही होगा ना। एक मिनट में पानी लेके आ रहा हूँ। देखें जी, टाइम का इशू होता है। मैं नौकरी वाला बंदा हूँ, सारा दिन मेरे पास बहुत लोड होता है मेरे ऊपर काम का, और अलहदा से मैं टाइम नहीं दे सकता किसी को। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर, मेरा ना फ्लावर वाले जो डाटा है ना वो लोड नहीं हो पा रहा, लास्ट में आप जरा मुझे उस पे गाइड कर दीजिएगा। आप स्क्रीन शेयर कर दें, जिसने भी जिसके भी आ रहा है अभी स्क्रीन शेयर कर लो, मैं बंद कर रहा हूँ। ठीक है, आपको बता दिया है, आपको बता दिया है ये एरर कैसे ख़त्म होंगे। और बस आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा, वो जो है ना आप लोग वही यूज़ करें वाली ना टेक्निक अपना नॉर्मलाइजेशन वाली। अच्छा सर, ये इस पे डेटा सेट तो लोड करने की जरूरत नहीं है ना, सिर्फ फाइल सेंड कर दें? डेटा लोड करने की जरूरत मतलब डेटा सेट उस पर गिटहब पर असाइनमेंट के साथ? नहीं नहीं नहीं, डेटा कहाँ यार, नहीं नहीं ऐसे। ठीक है सर। डेटा लोड भी नहीं होता, वो 25 MB से ज्यादा वो डेटा उठा ही नहीं सकता गिटहब भी। आप कर लें महाजवीन, आप कर लो अपना स्क्रीन शेयर, बताओ क्या मसला है। जल्दी से जल्दी से सर, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो आप कौन सी असाइनमेंट कर कह रही हो? सर फ्लावर वाली का ना डाटा मैं कब से अपलोड कर रही हूँ, डिलीट भी कर दिया सारी वो मुझे चाहिए था, वो वर्कबुक सेव वो सेव कर लेता ना। यहाँ क्या मसला है, अब आपकी तो माउंट ही नहीं हुई है ड्राइव। एक मिनट, क्या है? अच्छा, ये कोड मैंने ये सेंड किया इधर चैट में, ये कोड आप उधर कॉपी पेस्ट कर लें तो इंशाल्लाह हो जाएगी माउंट करने के बाद। हो गई ड्राइव, अब क्या करना है सर? आईओटी की क्लासेस अगर मैं लेना चाहूँ तो
अभी आजकल बंद हुई है वो, 21 से स्टार्ट होंगे। आपने जो देखनी है वीडियोस वो देख लें, आप यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है। बुक पहले पढ़ें, बुक में पहले आप इंस्टॉल करें रस्ट, रस्ट इंस्टॉल करें। अब वो आईओटी नहीं है दरअसल, पहले तो रस्ट लैंग्वेज है ना, उसके बाद जब वो सेटिंग नेक्स्ट क्वार्टर आता है, क्या हुआ माजमी, नेक्स्ट क्वार्टर आता है ना जी, नेक्स्ट क्वार्टर आता है उसके अंदर आपके पास वो STM32 बोर्ड होता है, उस बोर्ड के ऊपर आप फिर एम्बेडेड प्रोग्रामिंग करते हैं। एम्बेडेड प्रोग्रामिंग जरा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, पहले आपको रस्ट के कॉन्सेप्ट आने चाहिए उसके बाद एम्बेडेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट, तो वो इतना आसान नहीं है। पहले तो आप रस्ट के दरिया, रस्ट का समंदर पार करें उसके बाद फिर एम्बेडेड का समंदर पार करें। एम्बेडेड प्रोग्रामिंग, आप एम्बेडेड का मतलब होता है आप छोटी सी डिवाइस होती है उसके अंदर एक प्रोग्राम आप लोड करते हैं, फिर उसके बाद आप उसके पोर्ट्स को कंट्रोल करते हैं, उसमें डिवाइसेस लगाते हैं, सेंसर लगाते हैं। आईओटी बेसिकली सिर्फ, आईओटी तो नाम तो नहीं है ना, सिर्फ आईओटी के पीछे बहुत बड़ी कहानी है। पहले आपको रस्ट प्रोग्रामिंग करें उसके बाद फिर आप एम्बेडेड रस्ट प्रोग्रामिंग करें। एम्बेडेड रस्ट प्रोग्रामिंग और मतलब और डायमेंशन है वो थोड़ी सी, तो मतलब ये है। सर मैं पाइथन की प्रैक्टिस भी कर रही हूँ तो उसमें भी काफी एरर्स आ रहे हैं। आपको पाइथन की प्रैक्टिस खुद से नहीं करनी चाहिए, आप किसी कोर्स को लें और वहां से। जी सनी भाई आपका क्या प्रॉब्लम है? जी सनी भाई आपका क्या प्रॉब्लम है? एक मिनट आप बताता हूँ, ठहरे, ये आ रही है इसकी एवरेज हिस्ट्री के अंदर ना, अब ये लाइन थी, ये मेरी इस तरह आ रही है। हाँ ये तो अच्छी आई है, ये तो ठीक आई है ना, ऐसा ऐसा आपके इपॉक्स के साथ कम हो गई है वो 4000 के मतलब 2-2500 के बराबर आ गई, तो अच्छा है ये। अब ये देखेंगे इसमें यहाँ पे और इसमें फर्क देखेंगे। नहीं वो आपका मीन स्क्वेयर, वो आपका मीन स्क्वेयर एरर है, आप तो स्क्वेयर हो रहा होता है ना ये आपका। सही, बाकी ये कि मेरा इतना डिफरेंस आ रहा है यहाँ तक वाइब्रेटिक में। मेथड पर किया जो कुक वाला ही है, मैंने ये वाला यूज किया के फोल्ड का ना, के फोल्ड का यूज किया है और बाकी ये इस तरह किया कि चंक्स उठा उठा के ये ड्रॉप आउट वगैरह नहीं लगाए, सिंपल वाले सिंपल लगाए थे मैंने, ये यूज किया लेयर्स में ना कि 10, इन्होंने बोला था ना 10, 8, 6, मैंने उसी हिसाब से रखा था 10, 8, 6 और 1। सही सही ठीक है, तो हाँ ना नहीं ठीक है, बहुत जबरदस्त है वो, आपने जो प्लॉट बनाया है वो भी सही सही दिख रहा है, यानी कि आके वैल्यू एक जगह पे स्टेबल आके बैठ जाती है, ये अच्छा बनाया। ये मुझे बताएं कि आप ये बताएं कि मॉडल दिखाएं जरा दोबारा से, बाकी ये मैंने जो मैडम ने मुझे एसके लर्नर से बनाया था तो वो चीज बताई थी। अच्छा एसके लर्नर से किया स्प्लिट, ठीक है। वो हीट मैप से उन्होंने भी बताया था कि आपने जो कोरिलेशंस हैं ना उनके आपस में देख लेना, जो माइनस में वो इग्नोर कर दें, जो 0.0 समथिंग है वो भी इग्नोर कर दे बेशक। तो जस्ट मैंने ये वेरिएबल कॉलम्स जो थे ना वो ये उठाए थे। सही है,
बस यही है नॉर्मलाइजेशन, ये वन आउट कोडिंग जो आप कह रहे थे वो लेबल इनकोडिंग ये की थी, ये वाली यूज की। सही है बाकी रिप्लेस वगैरह किए हैं और तो कुछ खास नहीं किया, बस यही है यानी कि ये ठीक आ रही है असाइनमेंट, ठीक है मतलब चलेगी, बस सही है सही भागेगी सर दौड़ेगी सही। जी और महाजमीन आपका मसला था वो आपने फिर करें क्या है इस तरह तो माइनस में क्यों आ रहा है माइनस टू पॉइंट समथिंग, इस तरह तो आएगा भी नहीं डाटा। मेरा वाइब रेडिक्ट माइनस 0.26 आ रहा है, 26 मतलब माइनस 0. में क्यों आ रहा है वो भी माइनस में। वाइब रेडिक्ट के कौन से मॉडल पे? इसी मॉडल पे सिंपल वाले पे। देखो दोबारा दिखाइएगा एक मिनट ठहरो, इसको करने में क्या क्या मसला आ रहा है इसका, क्या आ रहा है माजबिन क्या आ रहा है? पहली बात है ये सीएसवी फाइल आई नहीं है और दूसरी बात है कि ये इस तरह नहीं होगा कि ये फोल्डर पर आप एक मिनट रन तो करो इसको, कोई पता तो चले, आपने रन ही नहीं किया फिर आप डिलीट कर देते हो, फिर लिख देती हो फिर डिलीट कर देती हो, रन तो करो उसको पता चले क्या एरर आ रहा है। हाँ रन करो इसको पहले, वो भी ठीक था, रन करो डॉट स्लैश करो ना डॉट स्लैश रन करो, एरर टोकनाइजिंग डेटा एरर कॉलिंग रीड बाइट ऑन सोर्स फेल ट्राई इंजन इज इक्वल टू पाइथन, यहाँ पे इंजन इज इक्वल टू पाइथन लगाओ आगे ऊपर फ्लावर्स के आगे कॉमा डालो, यहाँ पे इंजन इज इक्वल टू पाइथन कॉपी करो आगे आगे कॉपी करो, ये नीचे से कॉपी करो पूरा पूरा इंजन इज इक्वल टू पाइथन, बाबा इंजन अब ये वहां लगाओ उधर कॉमा लगा के आगे 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 नहीं नहीं कॉमा, आप फाइल को क्यों उसमें घुसेड़ रहे हो, फाइल के बाहर करो कंट्रोल जी करो कंट्रोल जी आगे आगे कॉमे के बाद यहाँ पे बाहर हाँ यहाँ पे कॉमा लगाओ आप लगाओ यहाँ पे पेस्ट करो अब आप रन करो जरा क्या कह रहा है इज अ डायरेक्टरी, आप मुझे दिखाओ डायरेक्टरी दिखाओ जरा कहाँ है डायरेक्टरी, आप डायरेक्ट सर असल में सीएसवी फाइल आप उसमें सीएसवी फाइल का तो दो ना, सीएसवी फाइल कौन सी है सर, वो फ्लावर वाला डाटा लोड करवाना चाह रही है और वो सीएसवी से करवा रही है, मैं वही कह रहा हूँ मैं कोड सेंड किया है वो कॉपी पेस्ट कर लें आपको हो जाएगा। हाँ कॉपी पेस्ट करो वो कोड, इसका कॉपी पेस्ट करो वो कोड चलाओ होला उसमें आपने पाथ वही देना है जो आपका ये वाला पाथ ये वाला लगाओ जी जी ये वाला कोड पूरा कर लो और उठाओ ये वाला कोड, मतलब ये है कि हम जितने दिनों से असाइनमेंट कर रही हैं आप लोगों ने अभी तक जो है ना वो नहीं ये पहले दिन क्लास में आई है ये
नहीं नहीं माजबीन तो रेगुलर है सर, फ्लावर वाली जो है ना मेरा डाटा पहले भी एरर दे रहा था मैंने आप लोगों से, सर ये कहां पर पेस्ट करना है? या इधर ही, इधर ही एक सेल बनाओ, नया सेल बनाओ, यहां पेस्ट करो, यहां पे अपना पाथ जो है ना ये रिप्लेस करो, पाथ ये ऊपर पाथ दिया हुआ है, फौरन नहीं रन कर देते होते, पाथ लगाओ यहाँ पे, जो अपना पाथ लगाओ /.slash flower जो भी है। मैंने ना ये वाली फाइल ही रह गई थी, इसके डाटा का इशू जा रहा था, अदरवाइज मैं तो सारी की थी। अच्छा सारी की थी। ऊपर करवाओ ना, नीचे क्यों करवा रहे हो ऊपर? अच्छा चलो ठीक, इम्पोर्ट टेंस इम्पोर्ट फ्रॉम, नहीं आगे एक और चीज भी इम्पोर्ट करवानी पड़ेगी फ्रॉम वो CV2, CV2 भी है और उसके अलावा path lib path lib तो आपने उसको सारा देना था ना, path lib path lib इम्पोर्ट पाथ, पाथ का पी बड़ा होगा जी, और उसके अलावा इंपोर्ट CV2 भी करवा ले। V for van, van van W for van होता है, बी फॉर ही होता है यार, बी फॉर विक्ट्री होता है सर। रन कर दो जी, जी इसको रन करें, फिर दोबारा रन करें उसको, इसको भी करें, हो गया ये दोबारा को। ये भी घंटा लगाएगा तकरीबन, आधा पौना घंटा यार, वो करना था सीधा टेंसर फ्लो वाला, वो केरस वाला, वो सिर्फ एक मिनट लगाता है सर। वो उससे सर मसला बताऊं क्या होता है, जब आप अपना वो टेस्ट कर रहे होते हैं ना, तो इससे वो तकरीबन एक मिनट के अंदर अंदर आपकी वो सारी वो प्रेडिक्शंस वगैरह सारा कुछ दे देता है, और उससे ये होता है कि आपका वो महीनों लगा रहता है, घंटा पूरा लगा देता है आपको वो प्रेडिक्शन देने में। उसका क्या तरीका होगा, किसका उसी का कोई और तरीका भी होगा, वो पता नहीं है ना मुझे। वैसे सर ये लोड होने में तकरीबन 15 से 20 मिनट लगाएगा, और उसके बाद फिर ये जब ये लोड हो जाएगा फिर जितनी मर्जी बार इसको चलाते हैं। अब हम माजवीन आपके स्क्रीन 20 मिनट के लिए नहीं देख सकते, अब ऐसा करें कि या तो आप जो है ना वही यूज कर लें जो रेडी टू यूज असाइनमेंट है, उसमें सिर्फ आपने पाथ लेना है ना, वो यूज हो जाएगी। माशाल्लाह, चलो सर आज की क्लास एंड हो गई है सर, अभी तो ऐसा ही लग रहा है क्योंकि टाइम बड़ा ज्यादा हो गया है, मैंने कुछ और काम करना है, मेरे में कुछ प्रोजेक्ट है तो सर जी। ये वाली वैल्यू क्यों आ रही है, व्हाई प्रेडिक्ट, मैंने जब प्रेडिक्ट किया ना टेस्ट डेटा इसका, इसमें ये इस तरह आ रही है, व्हाई प्रेडिक्ट इज इक्वल टू बिल्ड मॉडल डॉट प्रेडिक्ट एक्स टेक्स्ट, ये सर ये क्या, ये सब नेगेटिव में क्यों आ रही हैं? सॉरी नहीं, ऐसा करें ये आपके ये जो बिल्ड मॉडल है, ये तो कोड किए हुए थे ना, ये इनको तो छोड़ दे, नहीं ये बिल्ड मॉडल एक्चुअल प्राइस ही है, वाई टेस्ट है ना एक, अच्छा वाई टेस्ट नहीं, प्रेडिक्शन तो आपकी वो आ रही ना नेगेटिव आ रही सारी की सारी है, नहीं 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 प्रेडिक्शंस ये यहाँ पे आई थी,
ये एवरेज मीन एरर जो आए थे ना वही आए थे, और फिर आस्ते आस्ते हाँ. कम होते रहे. इसका प्लॉट ये बना था. मैं आपको नहीं, मुझे मुझे आप कह रहे हैं प्रेडिक्शन में नेगेटिव आ रही है, तो आप ही कह रहे हैं ना, मैं तो नहीं कह रहा. आ रही है ना, ये देखें वो किधर है, ये गलत है ना. एक मिनट मुझे मॉडल दिखाएं जरा, बिल्ड मॉडल किधर है ऊपर. ये बिल्ड मॉडल तो नहीं है, ऊपर जाए. नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि के फोल्ड और ये नहीं 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 एक एक बिल्ड मॉडल. अच्छा, मॉडल डॉट कंपाइल, वो आपको मॉडल वापस करेगा, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट आएगा. सही है. हाँ, ये क्यों आ रहा है? आपने नॉर्मलाइज किया क्या लेबल्स को? नहीं, नहीं किया था नॉर्मलाइज किया था. प्राइस को नहीं किया, लेकिन उसके अलावा किया था. प्राइस को नहीं किया ना, लेबल लेबल्स को नहीं किया. ये यहाँ पे ये बुक वाले जो फॉलो किया मैंने तो. नॉट फॉर्म्स यार कि मुझे जरा दिखाएं वो आपके स्कोर तो सही आ रहे हैं. नीचे जाएं दोबारा से. मॉडल डॉट इवेल्यूएट ट्रेनिंग पे सेट पे कराया? मॉडल डॉट इवेल्यूएट जी कराया. वो किधर है? मॉडल डॉट इवेल्यूएट एक्स ट्रेन वाई ट्रेन दोबारा करा देते हैं. ट्रेन एमएससी टेस्ट एक्स ट्रेन वाई ट्रेन नहीं. आप ट्रेन पे क्यों मॉडल इवैल्यूएट करा रहे हैं? इवैल्यूएशन तो हमेशा टेस्ट पे होती है. दोनों पे नहीं, इसको आप इसको वो कर इसको नहीं नहीं ये नहीं सही किया आपने. ये इसको आप सिर्फ टेस्ट पे इवैल्यूएट कराएं, ट्रेन पे नहीं होता. उसके अलावा इवैल्यूएट मेरा ख्याल है दो वैल्यूज देता है आपको. हाँ, वैल्यूज आपके पास दो आती है, एक आती है एमएससी और एक होता है एमएई. तो आपने स्क्वेयर्ड एरर लिया है? नहीं, दोनों लिए हैं दो. अच्छा, दो में नहीं सर, ये दो दोनों में एक एक लिए ना, दो दो नहीं नहीं, वो उसमें आप स्लो उसमें स्टोर होगी ना, दोनों पेयर में आगी ना, नीचे देख नहीं रहे नीचे. अच्छा, सर अलबत्त ये आपने ये गलती की है, ये ट्रेन पे जो आपने कराया है. चलिए, ट्रेन पे माइनस किया. आप इसको गलत करें, ये शायद इसकी वजह से शायद मसला आ रहा हो. जरा दिखा, पता नहीं, देखें. अच्छा, ट्रेन के ऊपर नहीं कराना, उसको टेस्ट पे करवाना है. टेस्ट पे इवैल्यूएट होता है मेरा. मेरा एक असाइनमेंट तो टेस्ट पे तो ये आ रही है ना, नीचे वाली आ रही है. नहीं सर, दोबारा कराएं इसको ना. अब नहीं, सिरे से बेशक रोक दें और इसको सिंपल. और प्रेडिक्ट भी टेस्ट पर... प्रेडिक्ट तो टेस्ट पे करवाना है ना. प्रेडिक्शन भी टेस्ट पे करवाना है. आप उसको कमेंट आउट करें, वो जो आपने ट्रेनिंग पे कराया हुआ है. कर दिया. स्टॉप कर दें मॉडल को. कर दिया ना स्टॉप. चलें, अब इसको आप रन करें दोबारा से. टाइम लगेगा क्योंकि टाइम मेरा तो इतना नहीं लगता. तकरीबन 2 घंटे में के फोल्ड पे लगता है. के फोल्ड पे लगता है वैसे.
उसको आप कमिट आउट कर देते हैं, स्टॉप करके कमिट होगा, के फोल्ड को कमिट आउट कर देते हैं। वहां तक मैंने चलाया ही नहीं, इससे ऊपर ऊपर चलाया। अब आप फिर ट्रबल शूट करना पड़ेगा ना, मॉडल क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है, नेगेटिव में प्राइस कैसे आ रही है, वो भी इतनी कम। यहाँ चार्ट अच्छा बन गया सब कुछ, कहीं वो तो नहीं अंडरफिट तो नहीं बैठ गया, क्योंकि उन्होंने लिखा भी था कि अंडरफिट है। फिर आपने ना वो करना है ना, जो अगर प्लॉट बनाना है वो बनाना है मीन स्केल एरर और दोनों मेरे के ट्रेनिंग और वैलिडेशन का और लॉस भी, ट्रेनिंग और वैलिडेशन का। तो वो इसमें लॉस तो नहीं होता ना, इसमें एम ए ई होता है। अच्छा आगे आगे जाएं, इवैल्यूएट कराएं, ये अभी वहां तक चढ़ा ही नहीं है। सर टाइम ज्यादा हो रहा है, के फोर कम, के कम कर दो फिलहाल ताकि जल्दी हो जाए। नहीं इसको कमिट आउट कर देते हैं, इसमें इसमें लर्निंग तो नहीं करनी थी। नहीं चलाएंगे तो वो ट्रेनिंग और प्रेडिक्ट, ये डायरेक्ट चला दो प्रेडिक्ट। नहीं नहीं वो पता है क्या होता है, आप ट्रेनिंग पे अलहदा से वैल्यू मतलब करा लेना फिट, ट्रेनिंग फिट नहीं कराया उसको अलहदा से। अच्छा आपने वो फिट वाला नहीं कराया फिर। नहीं एक मिनट, गलती अब आपकी पकड़ी गई है, ठहरे मुझे दिखाएं ज़रा, ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाएँ, सेवन स्टेप पे गलती मैंने आपकी पकड़ ली है। फिट नहीं करवाया, हाँ अलग से फिट करवाया ना, अलग से फिट करवाए ये नीचे, इसमें आपके मॉडल नहीं, नहीं वो आपका, वो आपका सिर्फ फंक्शन में अपना वो कॉल होता है, फंक्शन में नहीं। एक मिनट मॉडल में इसी तरह लिखा, नहीं 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 एक मिनट, आपके जो ये मॉडल इज इक्वल टू बिल्ड मॉडल है, ये आपने नीचे दोबारा से आपने एक, एक मतलब कैसे कॉल कराया नीचे, ये देखिए ना बिल्ड मॉडल को, नहीं नहीं मॉडल जो है वो बनाया हुआ ना, अरे नीचे दिखा दीजिए आप मुझे, नीचे दिखाओ आप मुझे, नीचे दिखाएं जरा फिट, यहाँ पे आप वो प्रेडिक्शन करा रहे हैं वो दिखाएं। हाँ यही तो गलती है, आप जो बिल्ड मॉडल को कॉल कर रहे हैं ना वो दोबारा से बिल्ड होगा, दोबारा से नया मॉडल बिल्ड होगा, ठीक है तो वो उसमें ट्रेनिंग ही नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है। आप ऐसा करें कि एक इसका इंस्टांस बनाएं अलहदा से, उसको वेरिएबल में स्टोर कराएं और उसको प्रिडिक्ट कराएं पहले, ठीक है सॉरी फिट कराएं। सर देखें या तो हिस्ट्री वाले को आप उठा लें, ठीक है ठीक है, लेकिन आप हिस्ट्री वाले को ना उठाएं, आप एक अलहदा से बाहर लगाएं, मिसाल है मॉडल ट्रेन, ट्रेन मॉडल ठीक है, एक वेरिएबल, उसके बाद मॉडल बिल्ड मॉडल को कॉल करें और उसके बाद जब आप उसको फिट कराएंगे ना, यहाँ पे नहीं नहीं वो बाहर ही है, लूप के बाहर है, यूज हो जाएगा। नहीं फिट कराना पड़ेगा ना आपको, आप एक अलग सेल बना लेना उसका, उसमें क्यों डाल रहा है। लेकिन ये लूप के बाहर ये फिट या तो यहाँ पे चल रहा है फिट, बाबा वो अलग से हो रहा है ना, वो तो हिस्ट्री में शामिल हो गया, ठीक है आपको एक अलग से इंस्टांस बनाएं, मतलब इसके बाहर, यहाँ क्यों कर रहे हैं, इसमें ना डालें ट्रेन मॉडल, क्यों डाला इधर, ये आपका वेल्डेशन वाला चंक है इसको छोड़ दें, आप नीचे आए यहाँ पे, इसमें सेल बनाएं एक नया, यहाँ पे आप लिखें
अपना ये ट्रेन ट्रेन मॉडल, ये आपका वेरिएबल हो गया, इसके अंदर आप यहाँ पे इक्वल, अब उस बिल्ड मॉडल को कॉल करें, बिल्ड मॉडल डॉट फिट, यहाँ पे आप फिट के अंदर वो डालें ट्रेन, अपना ट्रेन ट्रेन डेटा और ट्रेन मॉडल, ये तो टोटली अलग नहीं हो जाएगा, वही तो अलग ही तो चाहिए रहा, अलग ही तो चाहिए। अब इसको आप रन करें, ये नहीं रन होगा, आपको दोबारा से रन करना पड़ेगा, ऊपर से सारा रन करना पड़ेगा। हो रहा है रन? अच्छा ठीक है, अब तक तो। अब जब ये रन हो जाए ना, अब आपने करना है ये 12557, बहुत ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि ये मॉडल के अंदर ये हो चुका है ना ऑलरेडी, पार्शियल ट्रेन टारगेट्स और ये वो सब कुछ जान चुका है। नहीं 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 नहीं, ये आपका नया इंस्टांस दोबारा से उसने बुलाया है, जब आप बिल्ड मॉडल का फंक्शन बुलाया ना, उसने दोबारा कंपाइल किया, रिफ्रेश किया उसको, बिल्कुल नए सिरे से किया। लेकिन फिट के अंदर आप ये भी तो देते होते हैं ना, अपना वेल अपना बैच साइज क्या है, ईपॉक्स कितने हैं, तो वो ये तो सिर्फ एक ही चला के बस कर गया, ईपॉक्स आपने दें, ईपॉक्स आप दें 100, ये तो फिर इस के फोल्ड पे क्या फायदा हुआ? वो सिर्फ आपको अंडर फिटिंग चेक करने के लिए होता है कि अंडर फिट तो नहीं कर रहा। अब ये आपकी ईपॉक चलेगी, फिर आपका जो है वो लॉस रिड्यूस होगा ना। अच्छा सर, के फोल्ड में मैंने बताऊँ क्या किया था मैंने, उसका जो वो जो बार बार अपने नया इंस्टेंस बनाता है ना, मतलब जो सिक्वेंशियल नहीं बना लेता है, तो लेयर जो है मैंने उसको लूप के बाहर करवाया था इनिशियलाइज, ताकि वो बार बार ना हो और ट्रेनिंग इसकी ज्यादा हो। समझ गए क्या कह रहे हैं? मतलब कि जो के फोल्ड के अंदर लूप लगा होता है ना, मैंने उसके बाहर उसको इनिशियलाइज करवाया था उस मॉडल को, मतलब कि मॉडल इज इक्वल टू बिल्ड मॉडल जो भी है। हाँ तो बाहर ही होता है ना? नहीं, वैसे अंदर लिखा था बुक में। ये कम तो नहीं हुई? कोई पैराडाइज नहीं, एमए कम नहीं हुई, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? ऐसा करें कि एक दफ़ा से अपने वैलिडेशन वाले को बंद कर दें, वैलिडेशन वाले को कमेंट आउट कर दें, ठीक, और वैलिडेशन वाले को कमेंट आउट कर दें, और इसको सारे को फिर एक दफ़ा से मतलब आपका वो वैलिडेशन से जितने आपके वैलिडेशन से कंसर्न है वो भी तो एरर देंगे ना, उनको भी कमिट आउट करें उसके नीचे जो आपने यूज किया है, या एक एक करके रन करते जाएं साथ। ये तो रन तो नहीं हो रहे आप? ये लोकल होस्ट पे कर रहे हैं? अच्छा
अच्छा कुछ एग्जांपल्स मैंने चेक किया था, ये कार नेम के साथ ये कंपनी नेम अलग कर देते हैं, हालांकि हम लोग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। बस वो हर किसी की अपनी टेक्निक होती है। हाँ आगे अच्छा यहाँ से मॉडल बिल्ड कर रहा हूँ। ठीक है आप कहने के फोल्ड वाला ना चलाऊं, के फोल्ड वाला चलाएं और उसके जो रिस्पेक्टिव जो हैं वो भी ना चलाएं, हिस्ट्री वगैरह ये वो आगे चले जाएं, आगे चले जाएं जहाँ पे आपका फिट वहाँ पे आपने बैच साइज कम नहीं हो रहा। नहीं हो रहा कम। वही पारा तेरा यही दे जा। पैसा इस बड़ा के करें बैच साइज नहीं आया नीचे, पता नहीं क्या मिस्टेक हो रही है। दोबारा बिल्डअप कर दिया था। आपके इसमें नॉइज है बहुत ज्यादा है। आपके ये लैपटॉप में कोई इशू है, इसका कोई फैन का इशू है? नहीं। अच्छा अब नॉइज बंद हो गया। हाँ ये इशू कोई है जो ना देखना पड़ेगा, होना तो नहीं चाहिए ऐसे। यार इस तरह करो कि मेरा कोड यूज कर लो आप, मैं आपको देता हूँ कोड अपना वहाँ पे, लेकिन फिर आपको वेरिएबल नेम चेंज करने पड़ेंगे। अच्छा मेरा भी है तो वही कंपेयर करें, मॉडल दिखाएं जरा, मॉडल अपना ऊपर जाके मैं कंपेयर करता हूँ अपने वाले से।
हेलो, चले गए हैं सनी भाई? रहे आगे पीछे हुए होंगे। आवाज नहीं आ रही मेरी? जी अब आ रही है, अब आ रही। जी जी शेयर कर देता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि आप या तो फिर मेरे वाला मॉडल देख लो, उसको करके देख लो। ठीक है, मैं ये बता रहा था कि वो आपको 128 आपने यूज किया हुआ है सिंपल में भी ना? 128 है और कहीं पर डिफरेंट भी है, 1086 भी किया है मैंने, कम भी किया है 1086 करके। मैं तो सिर्फ रेलू वाला कर रहा था ना, तो रेलू वाले में ये तो रेगुलर वाला था आपका, रेगुलराइजेशंस। ये क्या मेरा मेरा वाला है? इसमें जी वो जी भी लगा दो, इसमें वो भी लगा दो आप ना, वो सुप्रेस करता है जो उसको एरर को वार्निंग को है पड़ा। मैं दो आप नहीं, वो कॉपी तो किया था मैंने, डाल मैंने भेज दिया है, कॉपी करके ऊपर लगा दो कहीं उसको रन कर। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे आपके लैपटॉप का ना वो फैन खराब हो, इस तरीके से लगता है। शायद हो सकता है। अच्छा चलो ये रन करके देख लें, फिर बस एंड करते हैं क्लास, क्योंकि मैंने ना थोड़ा सा कुछ काम करना है प्रोजेक्ट का। मैं तो कह रहा हूँ बस ये देख लूंगा, ये जो आपने मुझे दिन को भेजी है ना वो वाली है। सही है, बस उसमें हमारे पाथ चेंज कर दें, पाथ चेंज करके बस उसको रन कर लें। पांच चेंज किया हुआ है क्या? देखिए सोचिए यहां पे सही है, ये आप लोकल होस्ट पे चला रहे हैं। ठीक है सर, ये चैट में एक कोड सा आया, वो जो प्रेडिक्शन थी जी, ये चेक करें ठीक आई है? वे तो बड़ी जबरदस्त आई है, ये कैसे निकाली है? ये आइसोनोस्फीयर वाली है, आइनोस्फीयर वाली है, सही आई है, जबरदस्त आई है, सिर्फ तीन एरर है, सिर्फ तीन एरर है। तो चले सर, मैं मेरी तकरीबन चार असाइनमेंट सेट हो गई हैं, बस एक फ्लावर वाली रह गई है, वो भी एक किस्म की सही है, मतलब जो बस ठीक है, 30 एरर 30 ठीक है। मैं बस वो मेरा असल में सारा मसला उनका ग्राफ्स का आ रहा है, वो असल में मुझे पता नहीं चलता कि ग्राफ्स किस वक्त कौन सा ग्राफ लगाना है, और MAE का कब लगाना है और MSC का कब लगाना है, इस चीज़ की मुझे से समझ नहीं आ रही, बाकी तकरीबन सारा मेरा हो गया। अच्छा MAE का कहाँ लगाना है? MAE का जैसे इन्होंने लगाया ना, MAE वर्सेस नंबर ऑफ epochs, ठीक है? ठीक है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर आपका वो बता देगा, ठीक है, वो आप करके देख, वो आप लगा दें। और क्या कहते हैं, मतलब कि MAE और वैलिडेशन लॉस का कब लगाना है, लॉस का कब लगाना है, और वैलिडेशन एक्यूरेसी और एक्यूरेसी का कब लगाना है, इस चीज़ की समझ नहीं थी आती। अच्छा एक मिनट देखें, लॉस और एक्यूरेसी कहाँ आती है? लॉस और एक्यूरेसी आपकी आती है बाइनरी या मल्टी क्लास उसमें, और आपकी जो MAE और MSE कहाँ आती है, वो आपकी रिग्रेशन प्रॉब्लम में आती है। अब आप उसके अंदर जितने वेरिएबल स्टोर कराएंगे उसको ईपॉक के ऊपर जैसे मर्जी आप प्रिंट करा लें, वो तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक हो, आपने उसमें वेरिएबल्स में स्टोर कराए उसको हिस्ट्री को, और हिस्ट्री के अंदर आपका MSE है या MAE है, उसको आप अगर आपने वैलिडेशन का भी डाटा डाला हुआ है तो आपके पास चार वेरिएबल आएंगे, अगर आपने सिर्फ सिर्फ आपने ट्रेनिंग का डाला हुआ है तो सिर्फ आपके तो दो वेरिएबल आएंगे। ठीक है, ठीक हो, चलिए सर मैं फिर इसको, देखिए मैं आपको दोबारा बताता हूँ, इसकी समरी बताता हूँ, देखिए मेरी बात सुनिए। अगर आपका है
बाइनरी प्रॉब्लम, ठीक है, और आपने उसके अंदर फिट के अंदर डाला हुआ है वैलिडेशन प्लस ट्रेनिंग प्लस वैलिडेशन दोनों इकट्ठे डाले हुए हैं, तो आपके पास चार, तो आपके पास चार वैल्यूज आएंगी, एक लॉस आएगा, एक एक्यूरेसी, फिर एक वैल लॉस आएगा, फिर वैल एक्यूरेसी, चार आएंगे ना जी जी, या आपने स्टोर करा लिए, उसके बाद आप इसको नंबर ऑफ इपॉक्स के अगेंस्ट आप इन चारों चीजों को प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है, लॉस को लॉस के साथ, लॉस को वैल लॉस के साथ, और एक्यूरेसी को वैल एक्यूरेसी के साथ। उसके बाद मतलब कि आपस में करवाना है, लॉस को लॉस के साथ करवाना है, एक्यूरेसी के साथ। हाँ, और ये आपका हो गया बाइनरी क्लासिफिकेशन या मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन का जो है, और दूसरा आपका जो आएगा ना ये वाला रेग्रेशन का, रेग्रेशन में आपके पास जो मैट्रिक है वो एक लॉस जो है वो आपका है मीन स्क्वेयर्ड एरर एमएसई, और आपका वो जो है दूसरा मैट्रिक है एमएई। तो आप अगर आपने वैलिडेशन और ट्रेनिंग दोनों डाले हुए हैं तो आपके पास चार वैल्यूज आएंगी, इसी तरीके से आप इपॉक के अगेंस्ट चारों को आप प्रिंट करा सकते हैं, एमएसई को एमएसई के साथ और एमएई को एमई के साथ। तो सर ये जो आइनोस्फेयर है इसमें उन्होंने कहा था 60 और 40 के साथ आपने डिवाइड करना है डाटा को अपने को, तो इसमें तो फिर वैलिडेशन का नाम ही नहीं आ रहा, तो अब उसका जो ग्राफ बनेगा वो तो सिर्फ ट्रेनिंग वाले पे बनेगा क्योंकि वैलिडेशन का तो उन्होंने कहा था कि वो डालना ही नहीं है। तो आप ऐसा एक काम करो ना जी जी, आप ट्रेनिंग करा लो, ठीक है, उसको स्टोर कर लो, ठीक है, 100 epochs पे आप फिर उसके साथ फिर ट्रेनिंग करा के उसके बाद उसको स्टोर कर लिया आपने एक वेरिएबल में, उसके बाद आप करा लो एवेल्यूएट, उसको भी एक स्टोर करा लो, उसको भी 100 epochs पे स्टोर एवेल्यूएट, तो इसमें एवेल्यूएट एक ही देता है, एवेल्यूएट में एवेल्यूएट में epoch नहीं देते हैं, नहीं फिर आप उसको सिर्फ epoch के साथ आप उसको लॉस को वो करा लो, लॉस को और एक्यूरेसी को प्रिंट करा लो, ये ग्राफ बना लो उसका लॉस और एक्यूरेसी पे, लॉस और एक्यूरेसी दोनों का बना लो ट्रेनिंग पे, मतलब ट्रेनिंग डाटा पे। चलो मैं यही कर लेता हूँ, सही हो, ठीक है, और कोई क्वेश्चन? बस सर यही थे, एक दो थे। बाकी सर वो जो मतलब के कुछ वो समझ, एक मिनट सर वो स्क्रीन शेयर कर लूं, सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन है, बताएं। सर ये जो अब इसका फ्लावर बनेगा, क्या हुआ ये जो फ्लावर बनेगा ये, इससे आप बंदा क्या नतीजा हासिल करेगा? आपने ये डॉट्स क्यों बनाए हैं? डॉट्स को हटाओ, यहाँ बी ओ से बी करो सिर्फ। आपने भी चार चार सेशन चला रखे हैं मुफ्त का माल है सर। और ये सारा रन करेंगे आप दोबारा से? ये मिनट लगता है इसको। आप तो करते काफी टाइम लगता है। इसके पर तो मुझे पता है CB2 बहुत टाइम लेता है। अब मेरा हर अब ज्यादा टाइम लेगा क्योंकि पहले मैं दो चार बार से लगा ना वो एकदम डाटा लोड करके उसके बाद आराम से हो जाता था, लेकिन अभी टाइम लेगा। तो टाइम लेगा, मुझे पता है बहुत टाइम लेगा। चले फिर कभी पूछ लूंगा।
ठीक है सर। तो और कोई प्रॉब्लम किसी का भाई बता दें भाई, और कोई प्रॉब्लम हो किसी का तो फिर जांच लेते हैं, फिर अगर नहीं है तो ठीक है सर। मेरा हाल चलते हैं, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।